सो आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ मनी, तो इसलिए आज हम शुरू करते हैं पढ़ना टाइप्स ऑफ मनी। आई थिंक यहीं पर हमने लास्ट क्लास में यहीं से वी आर सपोज टू कंटिन्यू फ्रॉम हियर ऑन, है। सो आज शुरू करते हैं टाइप्स ऑफ मनी। रूल्स वही हैं क्लास अटेंड करने के, कि आप अपने आप को वैसे म्यूट पर रखेंगे, ठीक है, और अगर किसी भी तरह की कोई क्वेश्चन आपने पूछना है या मैं येस और नो पूछता हूँ, तो एक दो स्टूडेंट जस्ट फॉर द सेक कि भाई आप लोग प्रेजेंट हैं क्लास में और चल रही है, क्योंकि इसमें इस तरह का है कि प्रेजेंस देखना स्टूडेंट की और इस पर ये स्क्रीन जो शेयर करने की वो होती है, वो दोनों अलग अलग विंडोज़ हमें खोलनी पड़ती है, ठीक है। तो इसलिए हमें फिर वो थोड़ा सा प्रेजेंस अपनी बात से या अपने कहकर वो रियलाइज़ करानी पड़ेगी थोड़ी देर। तो मैं शुरू करता हूँ, टाइप्स ऑफ मनी हम शुरू कर रहे हैं। स्टूडेंट्स अपनी अटेंडेंस मार्क कर देंगे चैट बॉक्स में अपना नाम और रोल नंबर लिखकर, और उसका मतलब ये नहीं है क्लास चल रही है तो बीच में गायब हो जाना है, कि नाम रोल नंबर तो लिख ही दिया अब क्या है, तो गायब नहीं होना आप लोगों ने, ठीक है। इसको अब हम शुरू करते हैं यहीं से टाइप्स ऑफ मनी, जहाँ से हमने लास्ट टाइम पे छोड़ा। तो लेट अस स्टार्ट। देखो टाइप्स ऑफ मनी में सबसे पहले टाइप हम पढ़ेंगे कमोडिटी मनी की। कमोडिटी को कई तरह से यानी कि मनी को कई तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं। सबसे पहले आता है कमोडिटी मनी। अब कमोडिटी मनी जो होती है, जैसे इसके नाम से ही पता चल रहा है, ये किसी ना किसी कमोडिटी की फॉर्म में होगी, यानी कि ये किसी ना किसी कमोडिटी की फॉर्म में होगी, जिसको हम फिजिकल फॉर्म बोलते हैं, जिसको हम फिजिकल फॉर्म बोलते हैं, ठीक है ना, फिजिकल फॉर्म बोलते हैं। तो फिजिकल फॉर्म में वो कमोडिटी हमारे पास अवेलेबल होगी। तो जब कोई कमोडिटी फिजिकल फॉर्म में होती है, ठीक है, पर उसका हम कैसा यूज़ करते हैं, नॉन मोनेटरी यूज़ करते हैं, उसका हम कैसा यूज़ करते हैं, नॉन मोनेटरी यूज़ करते हैं, नॉन मोनेटरी यूज़ करते हैं। फिजिकल फॉर्म में होती है और उसका हम कैसे यूज़ करते हैं, नॉन मोनेटरी यूज़ करते हैं। नॉन मोनेटरी यूज़ का मतलब हो गया कि वी वर नॉट यूजिंग दैट कमोडिटी एज मनी, हम उस कमोडिटी को मनी की तरह यूज़ नहीं कर रहे हैं। उस कमोडिटी को हम किसकी तरह यूज़ नहीं कर रहे हैं, मनी की तरह यूज़ नहीं कर रहे हैं, अदरवाइज उसको एज अ फिजिकल कमोडिटी ले रहे हैं। जैसे एप्पल है, एप्पल को हम फिजिकल कमोडिटी की फॉर्म में ही लेंगे और एज एन एप्पल ही उसको हम क्या कहते हैं कि रिप्रेजेंट करेंगे, कि एज एन एप्पल ही वो हमें नज़र आएगा और किसी फॉर्म में वो हमें नज़र नहीं आएगा, ठीक है ना। तो इसलिए क्या है, उसको यूज नज़र भी आएगा और उसको हम यूज़ भी उसी तरह से करेंगे, वो यूटिलिटी भी वही देगा। पर जब किसी कमोडिटी को आप एज अ मनी यूज़ करते हो, तो उसमें उसको हम दो तरह से कमोडिटी मनी को फर्दर सेग्रीगेट करते हैं। दो तरह से कैसे सेग्रीगेट करते हैं, सबसे पहला तरीका है फुल बॉडाइड मनी, एक कहलाती है फुल बॉडाइड मनी, ठीक है, और दूसरी कहलाती है रिप्रेजेंटेटिव फुल बॉडाइड मनी। फुल बॉडाइड मनी, रिप्रेजेंटेटिव फुल बॉडाइड मनी। अब सबसे पहले आता है फुल बॉडाइड मनी। अब फुल बॉडाइड मनी का मतलब क्या हो गया भाई, और रिप्रेजेंटेटिव फुल बॉडाइड मनी का क्या हो गया, कि देखो जो कोई भी कमोडिटी होती है उसकी अपनी एक, जो कोई भी कमोडिटी होती है उसकी अपनी एक इंट्रिंसिक वैल्यू होती है, इंट्रिंसिक वैल्यू होती है उसकी, एक क्या होती है, इंट्रिंसिक वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब होता है कि वो कमोडिटी एज इट्सेल्फ उसकी क्या वैल्यू है। जैसे मैं आपको एग्जांपल के तौर पर मैं दे रहा हूँ, एग्जांपल के तौर पर मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे मान लीजिए है गोल्ड,
अगर मान लीजिए गोल्ड है तो गोल्ड का क्या काम है भाई, गोल्ड तो गोल्ड है, गोल्ड का क्या काम है, गोल्ड तो गोल्ड है। अब वो जो गोल्ड है उसकी एज अ गोल्ड भी तो वैल्यू ही है, नहीं आई बात समझ में। अगर गोल्ड को हम मनी के फॉर्म में नहीं भी यूज कर रहे हैं तब भी गोल्ड की एज अ गोल्ड वैल्यू तो है ही, क्योंकि गोल्ड तो गोल्ड के फॉर्म में तो हमेशा ही यूज कर सकते हैं हम, चाहे गोल्ड को ज्वेलरी के फॉर्म में यूज करें ना करें, या गोल्ड को अदरवाइज किसी और फॉर्म में यूज करने करें, पर गोल्ड को हम एज अ गोल्ड तो यूज हमेशा ही कर सकते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, कि गोल्ड को हम डिफरेंट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, गोल्ड की बार्स बना सकते हैं जिसको हम सोने की ईंटें बोलते हैं, गोल्ड को हम ज्वेलरी बना सकते हैं, ठीक है। गोल्ड से हम ये फॉर्म्स बता रहा हूँ, गोल्ड को किस किस फॉर्म में रख सकते हैं, कॉइन्स बना सकते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए कोई एक एक एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं, सपोज करो 10 ग्राम ऑफ गोल्ड जो है उसकी मॉनेटरी वैल्यू है, जो कि हम खरीदते हैं एज अ गोल्ड, जब गोल्ड को खरीदते हैं उसकी वैल्यू हम मान लेते हैं 10,000 रुपीज है, लेट अस अज्यूम फॉर द सेक ऑफ सिंप्लीफिकेशन। रियलिटी में तो ये वैल्यू आज का अगर हम रेट लेंगे तो लगभग 40-50 हज़ार के बीच में कहीं आसपास होगा, पर हम अपने लिए समझने के लिए समझ लें कि 10 ग्राम गोल्ड जो है उसकी वैल्यू है 10,000 रुपये, ठीक है जी। अब इस 10 ग्राम गोल्ड की वैल्यू चाहे मैं इसको बार की फॉर्म में रखूँ, चाहे ज्वेलरी की फॉर्म में रखूँ, चाहे कॉइन की फॉर्म में रखूँ, इसकी वैल्यू 10,000 रुपये तो होगी ही होगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, हेलो, ठीक है ना। इसकी वैल्यू जो होगी वो 10,000 रुपीज़ के बराबर तो होगी नहीं, तो ये जो इसकी जो 10,000 रुपीज़ के बराबर वैल्यू है ना, जो इसकी वैल्यू एज अ गोल्ड है मार्केट में, उसको बोलते हैं हम इंट्रिंसिक वैल्यू। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इंट्रिंसिक वैल्यू कहते हैं। इज दैट ओके, कि एज अ कॉमोडिटी उस कॉमोडिटी की क्या वैल्यू है, एज अ कॉमोडिटी उस कॉमोडिटी की क्या वैल्यू है, इज दैट ओके विद यू। अरे भाई समझ में आया आप लोगों को, ठीक है। अब सपोज करो जैसे हम गोल्ड को मनी की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, जैसे मैंने गोल्ड है, गोल्ड 10 ग्राम ऑफ गोल्ड मैंने लिया और उसको कन्वर्ट कर दिया एक कॉइन में। मैं थोड़ा सा बड़ा बना देता हूँ ये कॉइन, जिससे कि थोड़ा जो मैं उस पर लिखना चाह रहा हूँ ये करना चाह रहा हूँ। मान लीजिए कॉइन बना दिया, आई डोंट नो ये कॉइन ठीक बन गई, अब कॉइन को हम ऐसे कैसे लिखते हैं, एक तरफ हम लिखते हैं हेड और दूसरी तरफ हम लिखते हैं टेल, ऐसे ही होता है ना कॉइन में, हेड और टेल करते हैं, हेलो, ठीक है ना। तो जब हम ये हेड और टेल करते हैं तो उस टाइम क्या होता है बेटे, कि एक तरफ तो उस पर वैल्यू लिखी होती है, जैसे ये कॉइन है, इस कॉइन का जो वेट है वो 10 ग्राम ऑफ गोल्ड है और ये गोल्ड का कॉइन है सपोज का, ठीक है, और ये भी गोल्ड का, ये सेम वही कॉइन है, ये उसी कॉइन की दूसरी साइड है, ठीक है ना, ये फ्रंट साइड है, ये बैक साइड है, लेट अस अज्यूम, या ये फ्रंट है ये बैक है, ऐसे मान लीजिए। अब आपको मैंने एक बताया था कंसेप्ट लीगल टेंडर, अरे भाई बताया था लीगल टेंडर है ना, तो लीगल टेंडर का मतलब क्या होता है, कि गवर्नमेंट की परमिशन, जब गवर्नमेंट किसी करेंसी को अलाउ कर देती है यूज करना, जब गवर्नमेंट किसी करेंसी को क्या कर देती है, अलाउ कर देती है क्या करना, यूज करना, तो उसको हम बोलते हैं लीगल टेंडर, कि उसको गवर्नमेंट ने इशू करने के लिए अलाउ कर दिया कि आप उसको यूज कर सकते हो। तो जब गवर्नमेंट इशू करेगी तो इसके ऊपर कुछ ना कुछ वैल्यू लिखेगी, इसके ऊपर कुछ ना कुछ वैल्यू लिखेगी कि ये एक कॉइन कितने रुपए का है, ये एक कॉइन एज अ मनी कितनी वैल्यू रखेगा, हेलो, कि ये एक कॉइन एज अ मनी कितनी वैल्यू रखेगा, हेलो ना, अरे समझ में आ रहा है, हेलो समझ में आ रहा है, कि एक कॉइन एज अ मनी कितनी वैल्यू रखेगा। सपोज करो अब जो एक कॉइन है, जो ये वैल्यू रखी हुई है एक कॉइन ने, एक कॉइन की वैल्यू रखी हुई है, उसमें क्या है
उसमें क्या है कि जैसे कि मान लीजिए इसके ऊपर उन्होंने लिख दिए हैं 5,000 रुपये और इसके ऊपर वो यहाँ पर जैसे 5,000 रुपये लिख दिए, फिर ये यहाँ कुछ कुछ लिखा होता है कॉइन पे, फिर यहाँ पर एक मोहर सी या कुछ बना होता है, एक सील टाइप होती है यहाँ पर। तो जो वो सील होती है ये और जो ये वैल्यू लिखी होती है, जो ये वैल्यू इसके ऊपर मैंने लिखी है ना, लेट मी चेंज द कलर, जो ये वैल्यू मैंने इसके ऊपर लिखी है ना, जैसे ये मैंने लिखी है 5,000 रुपये, ये जो वैल्यू इसके ऊपर मैंने लिखी है ना, ये सील है, ये वैल्यू लिखी है। तो इस वैल्यू को हम बोलते हैं एक तरीके से फेस वैल्यू। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अगर ऐसे ही हमने इस कॉइन के ऊपर, ये सपोज करो ये तो एक अल्टरनेटिव फेस वैल्यू है, इस कॉइन के ऊपर मैं वैल्यू कुछ और भी लिख सकता था, मान लो गवर्नमेंट जो है इशू करने वाली, वो वैल्यू इसके ऊपर 10,000 रुपये भी लिख सकती है, ये कितने रुपए का चलेगा। कोई जो गवर्नमेंट है वो इसके ऊपर कोई वैल्यू 20,000 रुपये भी लिख सकती है। कोई, हेलो, हाँ बोलो। एक मिनट सुन लो, फिर मैं क्लियर करता हूँ आपका ये पॉइंट ना, सुन लो, फिर हम क्लियर करते हैं पॉइंट का। एक बार मेरी बात कंप्लीट हो जाने दो, ठीक है। फेस वैल्यू तो अब जो भी कोई होगा, हो सकता है इस पे 3,000 रुपये लिख दे, नहीं आई बात समझ में? तो ये कहलाती है फेस वैल्यू, ये कहलाती है फेस वैल्यू। जैसे 10 रुपये के नोट पे 10 रुपये हमें लिखा हुआ नजर आता है ना, हेलो, ठीक है, समझ में आ रही है? वो क्या कहलाता है कि एक तरीके से क्या कहते हैं कि एंड जो लिखा होता है वो उससे अलग लिखा होता है ना, उस पे भाई वैल्यू लिखी होती है ना नोट पे। 100 का नोट है तो उस पे 100 रुपये लिखा होता है ना, 50 का नोट है तो 50 रुपये, तो वो उसकी फेस वैल्यू कहलाती है। तो जो भी कुछ लिखा होगा वो फेस वैल्यू होगी। अब सपोज करो 10 ग्राम ऑफ गोल्ड जो है, 10 ग्राम ऑफ गोल्ड जो है, 10 ग्राम ऑफ गोल्ड की एज अ गोल्ड वैल्यू कितनी है? 10,000 रुपये, जो कि हमने एग्जाम्पल में लिया है। और अगर गवर्नमेंट ने उसके ऊपर उसकी फेस वैल्यू लिख दी 5,000 रुपये, अगर गवर्नमेंट ने उसके ऊपर उसकी फेस वैल्यू कितनी लिख दी, 5,000 रुपये लिख दी, तो फेस वैल्यू 5,000 रुपये लिखने से क्या होगा कि लोग बाग इसको एज अ मनी यूज नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर इसको एज अ मनी यूज करेंगे तो सिर्फ 5,000 वैल्यू का सामान ले पाएंगे, पर जब इसको एज अ गोल्ड यूज करेंगे तो उससे 10,000 का वैल्यू का सामान ले पाएंगे। यानी कि अगर इंट्रिंसिक वैल्यू ग्रेटर देन है फेस वैल्यू से, अगर इंट्रिंसिक वैल्यू ग्रेटर देन है फेस वैल्यू से, तो उससे क्या होगा, देयर विल ऑलवेज बी शॉर्टेज ऑफ मनी, कि हमेशा मनी की शॉर्टेज बनी रहेगी अगर इंट्रिंसिक वैल्यू फेस वैल्यू से ज्यादा है तो। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि इंट्रिंसिक वैल्यू फेस वैल्यू से ज्यादा है, इसलिए लोग उसको एज अ कॉमोडिटी ज्यादा वैल्यू कर रहे हैं, ना कि एज अ मनी। मेरी बात समझ में आ रही है? इसका मतलब क्या हो गया, लोग उसे क्या कर रहे हैं, एज अ कॉमोडिटी, क्योंकि उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू है, लोगों को तो वैल्यू से मतलब है, तो वो उसे एज अ कॉमोडिटी ज्यादा पसंद कर रहे हैं, ना कि एज अ मनी। जैसे कि यानी कि जो ये कॉइन होगा वो इस कॉइन को एज अ गोल्ड एक्सचेंज करना ज्यादा बेहतर समझेंगे तुलना में इसकी, कि वो एज अ मनी इसको एक्सचेंज करे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो इसलिए क्या होता है हमेशा एक तरीके से, इसलिए क्या है, एक तरीके से जब कभी भी कोई करेंसी जो एक कॉमोडिटी मनी बनाई जाती है, अगर किसी कॉमोडिटी की फॉर्म में है मनी, हेलो, अगर मनी किसी कॉमोडिटी की फॉर्म में है तो उसकी जो फेस वैल्यू है वो हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल्स टू रहती है किसके, इंट्रिंसिक वैल्यू के, हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल रहती है किसके,
इंट्रिंसिक वैल्यू के, ताकि उस कॉमोडिटी से बनी हुई मनी को लोग उसकी फेस वैल्यू की वजह से ज़्यादा वैल्यू करें और उसको ना कि एज अ कॉमोडिटी यूज़ करें, कि उसको यूज़ करें सो दैट द कॉमोडिटी कैन बी यूज्ड और एक्सेप्टेबल एज मनी rather than using it as commodity. यानी कि लोग उसे मनी के तौर पर यूज करना ही पसंद करें, ना कि पेपर के तौर, ना कि कॉमोडिटी के तौर पर. जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं कि हमारी जो करेंसी है वो नोट है, हेलो, पेपर करेंसी है ना. अब पेपर का बना हुआ है वो, तो अब कोई कहे कि यार मुझे लिफाफा बनाना है, पेपर दे दो, तो तुम 2000 रुपये का नोट दे दोगे क्या उसको, कि कह दे ले इसका बना ले लिफाफा, या कह रहा है टिश्यू पेपर चाहिए, कागज़ दे दे कोई पढ़ाया, तो कहता है टिश्यू पेपर के लिए कागज़ तो नहीं है, 2000 का नोट है, इसी को पहुँच के फेंक दे, ये भी तो कागज़ ही है. पर हम उस 2000 रुपये का जो नोट होगा, ये जैसे मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पर नोट, नकली नोट बनाया है, मान लीजिए ये जो 2000 रुपये का नोट जो होगा, इसको हम एज अ पेपर यूज नहीं करेंगे, हम इसको एज अ पेपर कंसीडर नहीं कर रहे हैं, हम इसको एज अ मनी कंसीडर कर रहे हैं, जिसको आप करेंसी की फॉर्म में लिखते हैं, करेंसी, जिसको आप करेंसी कहते हो, यस और नो. हम इसको एज अ करेंसी क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें मालूम है इसकी जो फेस वैल्यू है इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू से ज्यादा है. अगर इसकी फेस वैल्यू इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू से कम होती तो लोग इसको एज अ कॉमोडिटी ही यूज करना ज्यादा प्रेफर करते, ना कि एज अ मनी. इज दैट ओके? ठीक है. तो इस तरीके से जो फुल बोडाइड मनी होती है, जिसको हम फुल बोडाइड मनी बोलते हैं, फुल बोडाइड मनी का मतलब होता है जो मनी एक तरीके से सर्कुलेशन में है, मनी इन सर्कुलेशन. और मनी इन सर्कुलेशन का मतलब है जिसकी, और कुछ नहीं तो जिसकी क्या कहते हैं कि जो इंट्रिंसिक वैल्यू इज यू कैन से लेस देन और इक्वल्स टू व्हाट डू यू कॉल इट, द फेस वैल्यू. कि इंट्रिंसिक वैल्यू फेस वैल्यू से ज्यादा है, सॉरी, इंट्रिंसिक वैल्यू फेस वैल्यू से कम है या उसके बराबर है. ज्वाइन करो क्लास, या उसके बराबर है. बात समझ में आ रही है आपको? हेलो, या उसके बराबर है. क्या है, घर में बैठा हूं तो घर के भी काम मुझे देखने पड़ रहे हैं, तो उसके बराबर है. तो इसको हम बोलते हैं एक तरीके से मनी इन फुल बोडाइड मनी. ठीक है, इसको हम बोलते हैं फुल बोडाइड मनी. एक मिनट होल्ड करो, रो ऊपर जाके लो क्लास. तो उसको हम बोलते हैं फुल बोडाइड मनी. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ये फुल बोडाइड मनी हो गया. अब आता है रिप्रेजेंटेटिव फुल बोडाइड मनी. तो जो रिप्रेजेंटेटिव फुल बोडाइड मनी क्या होगा, कि रिप्रेजेंटेटिव फुल बोडाइड मनी क्या होगा, इसको हम देख लेते हैं जरा एक बार. रिप्रेजेंटेटिव फुल बोडाइड मनी, अब मैं यहां लिख रहा हूं रिप्रेजेंटेटिव फुल बोडाइड मनी. अब इसमें क्या होता है, रिप्रेजेंटेटिव फुल बोडाइड मनी में, इसमें एक्चुअल में मनी नहीं होती है. वो एक तरीके का एग्जांपल ले लीजिए, सर्टिफिकेट होता है, किसी चीज का सर्टिफिकेट होता है. जैसे आपने आजकल देखे होंगे गोल्ड सर्टिफिकेट लिखा हुआ है,
है कि नहीं, गोल्ड सर्टिफिकेट इश्यू होते हैं ना, तो उस गोल्ड सर्टिफिकेट पे क्या लिखा होता है, एक क्लेम होता है, ये एक सर्टिफिकेट है, इस पे क्लेम है कि जैसे ये क्लेम करता है 10 ग्राम ऑफ गोल्ड या उसकी जो भी वैल्यू है, उस पे डेट वेट लिखियो कि नाम वाम जिसके नाम से इशू है। तो आप इस सर्टिफिकेट के बदले में आप क्लेम कर सकते हो क्या गोल्ड को, कि आपको गोल्ड चाहिए। आजकल चल रहे हैं ना ई गोल्ड सर्टिफिकेट्स आए हुए हैं ना आजकल, हेलो, ठीक है ना, तो उसको हम बोलते हैं एक तरीके से रिप्रेजेंटेटिव। ये हो गया एक तरीके से रिप्रेजेंटेटिव मतलब आप इसके बदले में कोई एक तरीके से किसी भी स्पेसिफाइड कॉमोडिटी जो भी उस पर लिखी हुई है उसके बदले में उस कॉमोडिटी को क्लेम कर सकते हो, और उसके एवज में एक तरीके से इन्वेंट्री की फॉर्म में, इन्वेंट्री आप कह लीजिए स्टॉक की फॉर्म में, आपने उस कॉमोडिटी को स्टोर करके रखा हुआ है। उस कॉमोडिटी को क्या किया हुआ है, स्टोर करके रखा हुआ है, जिसका मैंने एग्जाम्पल दिया आपको एक तरीके से ई सर्टिफिकेट, सॉरी गोल्ड सर्टिफिकेट। इज दैट ओके? हेलो, इज दैट ओके? तो अब ये कहलाती है एक तरीके से कॉमोडिटी मनी के ये दो टाइप्स थे। अब हम चलते हैं इससे आगे की बात। अब आती है फिएट मनी, अब आती है एक तरीके से फिएट मनी, कि फिएट मनी क्या होती है। मैं यहां लिख रहा हूं फिएट मनी, अब फिएट मनी क्या होती है, ये एक तरीके की आप इसको कह लीजिए कि रिप्रेजेंटेटिव फुल बॉडाइड मनी है, ठीक है, इसको कह लीजिए क्या, रिप्रेजेंटेटिव फुल बॉडाइड मनी, कि इसके बदले कुछ बैक्ड करके रिजर्व रखा लिया, ठीक है ना। अब ये इसमें क्या होता है कि रिप्रेजेंटेटिव फुल बॉडाइड मनी में तो क्या होता है कि कुछ बैकिंग में रखा होता है, पर जो फिएट मनी होती है इसके बैकिंग में कुछ नहीं होता है, इसके बैकिंग में हम कुछ नहीं रखते हैं एक तरीके से, इसको किसी भी कॉमोडिटी से बैक नहीं किया जाता है, इसको किसी भी कॉमोडिटी से बैकिंग नहीं होती है, सॉरी इसकी फिएट मनी की। तो फिएट मनी होगी एक तरीके से जो पेपर क्लेम्स है, ठीक है ना, किसी भी फिजिकल कॉमोडिटी का क्लेम नहीं है उसके अगेंस्ट, यानी कि जैसे हम 10,000 रुपए का नोट है हमारे पास, या मान लीजिए 2,000 रुपए का नोट है, जैसे मैं एग्जांपल देता हूं 2,000 रुपए का नोट है या 1,000 या 500 रुपए का जो नोट है, मान लीजिए एक नोट है हमारे पास 2,000 रुपए का, तो ये जो नोट आजकल सर्कुलेशन में चल रहे हैं ये फिएट मनी है, ये फिएट मनी का भी एग्जाम्पल है। क्यों है फिएट मनी का एग्जाम्पल, क्योंकि इसके बदले में कोई एसेट जो है वो स्टोर्ड नहीं है, यानी कि ऐसा नहीं है कि आपने क्लेम किया और इसके बदले में 2,000 रुपए का कोई एसेट बन जाएगा। पहले क्या होता था, पहले सिस्टम चलता था गोल्ड स्टैंडर्ड, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझ लीजिए, पहले सिस्टम चलता था गोल्ड स्टैंडर्ड। गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम में क्या होता था, जितना भी गोल्ड रिजर्व है उसी के हिसाब से आप करेंसी प्रिंट करते थे, करेंसी को इशू करते थे, यू कैन से दैट। अब इसका मतलब क्या होता था गोल्ड स्टैंडर्ड में, कि कोई भी जो सेंट्रल बैंक होता है किसी भी कंट्री का, वो क्या क्लेम करता था कि भाई अगर जैसे मान लो तय हो गया कि गोल्ड का रेट तय हो गया कि 10 ग्राम गोल्ड हो गया सपोज करो 100 रुपये का तय, तो अब उसमें क्या है कि सेंट्रल बैंक ये कहता था कि या तो 10 ग्राम गोल्ड दे दो और हमसे 100 रुपए का नोट लेके चले जाओ, या हमें 100 रुपए दे दो उसके बदले में 10 ग्राम मैं गोल्ड दे दूंगा तुम्हें वापस। तो ये जो करेंसी थी ये एक तरीके की रिप्रेजेंटेटिव, उस टाइम जो थी रिप्रेजेंटेटिव फुल बॉडाइड मनी थी अंडर गोल्ड स्टैंडर्ड। बट आजकल जो करेंसी प्रिंट हो रही है उसके बदले में अगर हम 2,000 रुपए का नोट रिजर्व बैंक में लेकर जा रहे हैं तो वो हमें कोई कॉमोडिटी नहीं देगा उसके बदले में,
वो सिर्फ रिजर्व बैंक अगर नोट पे पढ़ोगे भी तो वो कह रहे हैं कि हम इतनी वैल्यू ट्रांसफर करने का अधिकार दे रहे हैं तुम्हें कि अगर तुम ये 2000 रुपये का नोट, जिसको लीगल टेंडर हम बोलते हैं, कि अगर आप ये 2000 रुपये का नोट यूज करते हो मार्केट में तो हमारा ऑथराइजेशन है, इससे आप 2000 रुपये वैल्यू की ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, कोई भी ऐसी ट्रांजेक्शन कर सकते हैं जिसकी वैल्यू 2000 रुपये तक हो, ये मतलब है। तो ये एक तरीके से कैसी मनी है, फिएट मनी, कि इसके बदले में कोई एसेट स्टोर्ड नहीं है हमारा, जिसके बदले में हमें कोई एसेट स्टोर हो, यानी कि ये अनबैक्ड है। ये एक तरीके से फिएट मनी क्या है, अनबैक्ड पेपर मनी है, जो हमारे यहां नोट्स हैं अनबैक्ड पेपर मनी है। ऐसे ही आप कॉइन्स को ले लीजिए, ऐसी कॉइन्स है, कॉइन्स में भी क्या है कि कोई उसकी बैकिंग नहीं है, और कॉइन्स जिस कॉमोडिटी से कॉइन बना है तो उस कॉमोडिटी से ही क्या कहते हैं कि उस कॉइन से ही उसको हम एज अ कॉमोडिटी यूज़ नहीं कर रहे हैं, उस कॉइन की जो फेस वैल्यू है उसकी जो इंट्रिंसिक वैल्यू है उससे ज़्यादा है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हेलो, ठीक है। इसी तरीके से आता है क्या कहते हैं कि अगली बात, अब आता है लीगल टेंडर मनी। एक होता है लीगल टेंडर मनी, लीगल टेंडर मनी। अब लीगल टेंडर मनी क्या होता है, लीगल टेंडर मनी एक तरीके का होता है, जैसे मैं आप लोगों को एग्जांपल देता हूं, एक तरीके से गवर्नमेंट परमिटेड, जिसके लिए ऑथराइज्ड कि ऑथराइजेशन जिसको मिला होता है, यानी कि जिसको जनरल एक्सेप्टेंस मिली होती है। तो लीगल टेंडर मनी दो तरह की होती है, एक होती है लिमिटेड लीगल टेंडर मनी, लिमिटेड लीगल टेंडर मनी, ठीक है, और दूसरी होती है अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी। एक होती है लिमिटेड लीगल टेंडर मनी और एक होती है अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी। कि लिमिटेड का मतलब हो गया जिसके बदले आप लिमिटेड पेमेंट कर सकते हो, जिसके बदले आप लिमिटेड पेमेंट कर सकते हो। अब लिमिटेड पेमेंट करने का मतलब क्या हुआ, ये थोड़ा सा एक बार देखने वाली बात है। तो मैं आपको अभी एक तरीके से एक वेबसाइट पे लेके जाऊंगा जिसको हम रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया की वेबसाइट कहते हैं, ठीक है। मैं रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे आपको अभी लेके चलूँगा, मैं विंडो चेंज कर रहा हूँ ताकि मैं आपको दिखा सकूँ लीगल टेंडर मनी का मतलब क्या है। इज़ दैट ओके? स्क्रीन पे ये नज़र आ रही है मेरी विंडो? हेलो हैं, सभी को नजर? अरे भाई सभी लोग क्लास में हो या दाएं बाएं हो गए हो? 35 स्टूडेंट्स हैं अभी क्लास में। ये नज़र आ रही है? तो ये हाँ, ऑल राइट इनफ, यस सर हैं। अब इसको देखो, अब ये मैं इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप भी खुद चेक करो। देखो हम गूगल करते हैं रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया की वेबसाइट ताकि हमें पता चले। मैं यहाँ लिखता हूँ रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया, ये आ गया है, इस पर मैं क्लिक कर रहा हूँ, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया पर, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया पर मैं क्लिक कर रहा हूँ फिर से अगेन। तो दिस इज़ द साइट ऑफ रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया। नाउ अब हमें देखना है कि इसमें हमें जाना किस लिंक पर है, दैट इज़ द क्वेश्चन फॉर अस, कि हमें किस लिंक पर जाना है। तो इसको थोड़ा सा एक बार देख लीजिए आप लोग। आई थिंक ऑर्गेनाइजेशन सेटअप इज़ नॉट फॉर दिस कम्युनिटी, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, मॉनेटरी पॉलिसी सक्सेस कहाँ चला गया, हिस्ट्री का कहाँ चला गया, मिस माइलस्टोन। एक मिनट ठहरो जरा यार, ये दाएं बाएं हो गया मुझे लग रहा है, जो लिखा था इस पर होम पे जाते हैं। हाँ आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया। ईशू ऑफ करेंसी, ईशू ऑफ करेंसी पे हमें जाना है एक तरीके से, ईशू ऑफ करेंसी में हमें जाना है एक तरीके से,
इशू ऑफ करेंसी में जाना है, नोटिफिकेशन या FAQs में। FAQs में जाएंगे तो जैसे इंडियन करेंसी के लिंक पे आप क्लिक करोगे तो देखो यहाँ आप इसमें आपको बहुत सारी वो मिलेगी देखने को एक तरीके से ना। इसको अगर आप करोगे नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो व्हाट इज़ लीगल टेंडर लिखा हुआ है, फिर लिखा हुआ है, अब देखो ये क्वेश्चन हमारा है ना व्हाट इज़ लीगल टेंडर, तो आज की डेट में लीगल टेंडर कितने को क्या है। तो अब मैं ये चीज़ आपको दिखाना चाह रहा हूँ, तो इसमें देखो क्या लिखा है, द कॉइन्स इशूड बाय द इंडियन गवर्नमेंट सेक्शन दिस शैल लीगल टेंडर पेमेंट ऑन अकाउंट ऑफ प्रोवाइड द कॉइन हैज नॉट बीन डिफेक्टेड और इज नॉट लॉस इट्स वेट, उसका वेट वगैरह कम नहीं होना चाहिए, कॉइन ऑफ एनी डिनोमिनेशन नॉट लोअर देन 1 रुपी, कि 1 रुपये से कम का सिक्का नहीं होना चाहिए, यानी कि 50 पैसे का सिक्का और ये कम नहीं हो जाए, लीगल टेंडर फॉर एनी सम नॉट एक्सीडिंग 1000 रुपीज़, देखो 1000 रुपये से ज़्यादा की पेमेंट नहीं कर सकते आप कॉइन से, 50 पैसा से सिर्फ 10 रुपये कर सकते हो। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो आप यहाँ देख सकते हो। अब इसी को मैं फिर से इस विंडो को मैं स्टॉप शेयरिंग कर रहा हूँ, अब मैं नई विंडो शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ, दोबारा से हम अपनी विंडो पे आते हैं। ये जस्ट मैंने इसलिए बताया आपको ताकि आप भी इन चीज़ों को जाके चेक कर सको, क्योंकि ये दे आर सब्जेक्ट टू चेंज, ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जैसे जैसे पॉलिसीज आती है वो चेंज कर सकते हैं। तो जब लिमिटेड लीगल टेंडर मनी हमने देखा, तो लिमिटेड लीगल टेंडर का मतलब क्या कहता है कि 1 रुपये का सिक्का कॉइन्स की बात कर रहा हूँ, 1 रुपये का सिक्का और 10 रुपये का सिक्का और 5 रुपये के सिक्के से, अगर आपने किसी से पेमेंट करनी है, किसी को पेमेंट करनी है, तो आप वो पेमेंट 1000 रुपये तक की पेमेंट कर सकते हो। यानी कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये लिमिटेड लीगल टेंडर का मतलब क्या है कि उसको ये लिमिटेड लीगल टेंडर है, यानी कि 1000 रुपये से ज़्यादा की पेमेंट आप 1-1 रुपये के सिक्के की फॉर्म में या 5-5 रुपये के सिक्के की फॉर्म में या 10-10 रुपये के सिक्के की फॉर्म में नहीं कर सकते हैं, ये लिमिटेड लीगल टेंडर है, यानी कि उसको लिमिटेड पेमेंट की परमिशन है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मान लीजिए आप किसी दुकान पर जाते हैं और दुकान पर आपने सामान खरीदना है, आपने कहा कितने का बिल हो गया, आपका बिल हो गया 1100 रुपये का, क्या मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? हेलो, आपका बिल हो गया 1100 रुपये का। अब 1100 रुपये का जो आपका बिल हो गया है, उस 1100 रुपये में अगर आपके पास 5-5 के सिक्के हैं तो 5-5 के सिक्के मिलाकर आप 1000 रुपये अलग से रख लीजिए, और 100 का नोट या 50 का नोट या 50 के 2 नोट इस तरह से 100 रुपये की और अलग से पेमेंट कीजिए, तो वो अगर शॉपकीपर चाहेगा तो आपको 1000 रुपये की पेमेंट उसे लीगली एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, 1-1 रुपये के सिक्के में, 5-5 रुपये के सिक्के में या 10-10 रुपये के सिक्के में, जैसे भी आप करना चाह रहे हैं, वो उसको एक्सेप्ट करने से मना नहीं कर सकता। ये मतलब है लिमिटेड लीगल टेंडर का। अगर वो मना करता है तो वो अलग बात है कि आप उसके ऊपर यू कैन स्यू हिम, कि उसको आप उसके ऊपर पुलिस केस कर सकते हो, जब उसके ऊपर केस चलेगा तो उस पर फिर वही बात आ जाती है कि कानून के सामने तो सबूत देने पड़ते हैं नियम के अनुसार, कि ये नियम था, इसके अनुसार ये सबूत है हमारे पास और इसने पेमेंट एक्सेप्ट करने से मना किया, तो उसको सजा भी हो सकती है, यानी कि लीगल एक्शन उसके अगेंस्ट हो सकता है जो इसको एक्सेप्ट करने से मना करेगा। और अगर कोई इससे ज़्यादा अमाउंट में एक्सेप्ट कर लेता है तो वो उसकी मर्जी है, उसके लिए कोई मनाही भी नहीं है। हाँ, पर इस इतने रुपए तक के अमाउंट को लीगली कोई मना नहीं कर सकता। बात समझ में आ रही है? वो अलग बात है कि लोग बाग अपनी व्यावहारिकता में कि कौन केस करेगा, कौन पुलिस केस करेगा, कौन कोर्ट के चक्कर काटेगा, कहाँ से सबूत इकट्ठे करेंगे, उस चक्कर में जो प्रैक्टिकलिटी है वो डिफरेंट हो जाती है। बट दिस इज व्हाट द लीगल टेंडर मींस, लिमिटेड लीगल टेंडर मींस। इसी तरीके से दूसरा आता है, जैसे 50 पैसे का कॉइन है या 25 पैसे का कॉइन भी आता था पहले, तो अब तो देखने में नहीं मिलते हैं, 10 पैसे का कॉइन भी होता है, 20 पैसे का कॉइन भी होता है और 5 पैसे का कॉइन भी होता है, पैसे के ये कॉइन्स भी होते हैं। तो 1 रुपये से, यहां मैं 2 रुपये का कॉइन लिखना भूल गया, सॉरी, ये 2 रुपये का कॉइन दिया, तो 1 रुपये से कम वैल्यू के डिनोमिनेशंस के जो कॉइन हैं उनसे आप केवल 10 रुपये तक की पेमेंट कर सकते हो। यानी कि आपने 10 रुपये की आइसक्रीम खरीदी किसी को, तो अगर आपके पास 50-50 पैसे के
20 सिक्के हैं तो आप उसे वो 20 सिक्के देंगे, वो मना नहीं कर सकता है सेट करने से, मतलब लीगली वो मना नहीं कर सकता। वैसे मना कर दे और आप भी उसको कह दो चल ठीक है यार ये ले, क्यों उस इतना वो कर रहा है, झंझट में पड़ रहा है, ये ले 10 का नोट पकड़ तो ख़त्म कर कहानी, वो एक अलग बात है, बट वो लीगली उसको मना नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये मतलब है लिमिटेड लीगल टेंडर का, कि उसे पेमेंट करने का लिमिटेड अधिकार है। इज दैट ओके? हेलो, हाँ, किसी एक मिनट, किसी को कोई सवाल पूछना है? हाँ पूछो सवाल, बाकी सब अपना म्यूट रखना, वो जिसने सवाल पूछना पूछे, डिस्कस करते हैं। पूछो सवाल बेटे। नहीं अब मैंने क्या बोला आपको कि आपको ये वेबसाइट चेक करती रहनी पड़ेगी। वैलिडिटी का मतलब ये है ये अभी सर्कुलेशन में नहीं है, इनको लोग यूज नहीं करते क्योंकि अब इतनी कम वैल्यू की ट्रांजैक्शंस होती नहीं है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? इसलिए ये सर्कुलेशन में है नहीं, पर पहले के ज़माने में जब प्राइस लेवल कम था, परचेजिंग पावर ज़्यादा थी, तो उस टाइम पर इनकी वैल्यू बहुत होती थी। जैसे आजकल एक रुपये का सिक्का 2 रुपये का सिक्का है, हमें किसी को मान लो 200 रुपये की पेमेंट करनी है और उसमें 199 रुपये प्रोडक्ट का प्राइस है, तो कई बार वो हमें 1 रुपया वापस कर भी देता है, कई बार हम कहते हैं चल छोड़ नहीं है तो कह देते हैं ना। हेलो, तो वो इसीलिए कह देते हैं ना, क्योंकि आज वो एक रुपए की वैल्यू हमें कोई इतनी ज्यादा मैटर करती नहीं है। उसका रीजन ये है कि आजकल जो प्राइस लेवल है, आज का जो इनकम लेवल है, उसके हिसाब से 1 रुपया जो है वो बहुत कम वैल्यू को कंटेन करता है, यानी कि बहुत कम सामान उसमें हम खरीद पाते हैं। पर अगर यही 1 रुपया आज से 20 साल पहले, 30 साल पहले, 40 साल पहले लेके जाओ, तो वो 1 रुपया 10 रुपये, आज के 10 रुपये के बराबर नज़र आता है। यानी कि जितना सामान आज हम 10 रुपये में लेते हैं, उतना सामान पहले लोग 1-1 रुपये में लेते थे। आज लोगों की जो सैलरीज हैं वो लाखों में है। आज तो 1 लाख रुपये का, 2 लाख का, 10 लाख का पैकेज मिलता है, तो उसको कहते हैं नॉर्मल है। पहले तो मंथली सैलरी होती थी 400-400, 500-500 रुपये, 300 रुपये, 200 रुपये 70s में 80s में। तो उस टाइम देखो, जिस टाइम किसी आदमी को मंथली सैलरी 300 रुपये मिल रही है, तो आप देखो उसके लिए 5 पैसे 10 पैसे, 1 रुपया 2 रुपया 5 रुपये 10 रुपये कितनी वैल्यू रखते होंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आज के टाइम में ये चीज़ें सर्कुलेशन में नहीं है, तो मैंने बताया ना कि आउट ऑफ सर्कुलेशन। अब ऐसे तो आप देखो 2 रुपये का नोट देखने को मिलता है क्या आजकल? मुझे बताओ, आपने 2 रुपये का नोट देखा आजकल क्या चलते हुए? नहीं देखा ना आजकल 2 रुपये, क्योंकि वो ऐसा नहीं है कि वो इनवैलिड हो गया, बस वो सर्कुलेशन से ख़त्म हो गया, उसकी ज़रूरत महसूस नहीं हो रही लोगों को। क्यों नहीं हो रही? क्योंकि अब सिक्के चल रहे हैं 2 रुपये के, 1 रुपये के सिक्के चल रहे हैं। अब 10 रुपये का नोट भी सर्कुलेशन में अब धीरे धीरे कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा? क्योंकि 10 रुपये के सिक्का चल रहा है ना, 10 रुपये का सिक्का आता है मार्केट में, ये रीज़न है। हाँ बोलो, कोई सवाल किसी ने और पूछना है तो। हाँ, ये भी हो सकता है ना, जैसे कई लोगों को कॉइन कलेक्शन का शौक होता है ना, तो वो भी एक हो सकता है, वो भी एक रीजन हो सकता है, उसके लिए कोई मनाही नहीं। हाँ बोलो बोलो। तो हाँ, इनवैलिड नहीं है ये, कहाँ इनवैलिड है? देखो मैंने आपको क्या बताया कि आरबीआई की वेबसाइट पे हम गए, मैंने कोई अपने तरफ से नहीं बताया ना, इसीलिए मैंने आप लोगों को वेबसाइट विजिट कराई। हम आरबीआई की वेबसाइट पे गए ना, वहां कोई ऐसी इंफॉर्मेशन हमें मिली नहीं लिमिटेड लीगल टेंडर को लेकर। ठीक है, अगर कुछ चेंज आया होगा तो गवर्नमेंट वो नोटिफाई करते हैं, वो आप इस पे चेक कर सकते हो वेबसाइट पे, क्योंकि ये सब्जेक्ट टू पॉलिसीज है ना, तो ये चेंज होती रहती है, इनमें डायनामिज्म है, इसलिए मैंने आप लोगों को वेबसाइट दिखाई कि ताकि मैं कोई स्टैटिक बात नहीं बताऊं आपको, कि आप उसको भी चेक कर सकते हो कि कल को कोई नया नोट आ रहा है तो किस सीरीज का आ रहा है, कैसे आ रहा है, वो सारी इंफॉर्मेशन वहां पर होती है। ठीक है, हेलो, शैल वी प्रोसीड नाउ? अब आता है अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी, तो इसका मतलब हो गया अब 2 रुपये से लेकर
और 2000 रुपए तक के जितने भी नोट हैं, जितने भी नोट हैं वो सारे अनलिमिटेड लीगल टेंडर है। ठीक है, कि जितनी चाहे उतनी पेमेंट करो। ये 20 रुपए लिख दिया मैंने, सॉरी 2 रुपए या 1 रुपए का नोट भी आ जाएगा ना यहाँ, तो क्योंकि ये तो कॉइन था ना 1 रुपए की वैल्यू का, नोट तो नहीं था ना, नोट भी होता है 1 रुपए का। तो इनको अनलिमिटेड लीगल टेंडर है, यानी कि इनसे आप जितनी मर्जी की पेमेंट कर सकते हो और जितनी मर्जी की पेमेंट एक्सेप्ट भी कर सकते हो और पेमेंट कर भी सकते हो। इज दैट ओके? हेलो, क्या आपको समझ में आया कि मनी क्या है और मनी क्या नहीं है? ठीक है, तो अब हम इस पे, इससे रिलेटेड कुछ और टॉपिक को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे एक सवाल आता है, इज क्रेडिट कार्ड्स मनी, दैट इज द क्वेश्चन। एक क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है, क्वेश्चन कई बार क्या आता है, इज क्रेडिट कार्ड मनी। अब कई लोग इसको प्लास्टिक मनी बोलते हैं, हेलो, कई लोग इसे प्लास्टिक मनी बोलते हैं। आप थोड़ा ना, किसी ने अनम्यूट किया हुआ आई थिंक, आप सब लोग अपना, ये संदीप यादव आप म्यूट कर लो अपने आप को, क्योंकि मेरी आवाज़ इको कर रही है, जो मैं बोल रहा हूँ वापस मुझे सुनाई दे रहा है, तो थोड़ा वो अजीब सा परिस्थिति हो जाती है। इसलिए आप लोग अपने आप को म्यूटेड रखें, जब आपसे यस नो पूछा जाए उस टाइम आप आकर अपना एक तरीके से, ये शिवम कुमार टाइम से आओ बेटे, आज आप काफ़ी लेट हो क्लास में, 1 घंटा लेट हो, टाइम से आओ नेक्स्ट टाइम। तो क्या है कि इज क्रेडिट कार्ड मनी, क्या क्रेडिट कार्ड मनी है, सवाल ये है। तो क्रेडिट कार्ड मनी होने का मतलब क्या है कि देखो, अब इसमें एक चीज़ देखनी है, मनी में क्या होता है। देखो मनी में के की एक फीचर होती है लिक्विडिटी, मनी की एक फीचर है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी का मतलब हो गया कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनीथिंग एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, यही हो गया ना लिक्विडिटी का मतलब, कि पानी को जिस चीज में डालो, पानी को लिक्विड कहते हैं, क्यों, कि उसे जिस चीज में डालो उसी तरह का आकार ले लेता है, उसी तरह से बदल जाता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? किसी तरह का रंग डालो उस तरह का रंग रिफ्लेक्ट कर देता है, तो वाटर लिक्विड होता है। तो इसी तरह मनी को लिक्विडिटी होती है, ये मनी का एसेंस है, लिक्विडिटी इज द एसेंस ऑफ मनी। किसी चीज को मनी कहलाने के लिए उसमें लिक्विड फॉर्म होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अब सवाल है, क्या क्रेडिट कार्ड लिक्विड है, या लिक्विड होने का मतलब क्या है? मनी के लिक्विड होने का मतलब ये है कि आपके पास मनी है, यानी कि करेंसी है। जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया, आपके पास 2500 रुपये का नोट है, आप इस 500 रुपये की वैल्यू से, यानी कि आपकी जेब में 500 रुपये वैल्यू है, इस वैल्यू से 500 रुपये वैल्यू का कुछ भी खरीद सकते हो, किसी भी चीज़ की आप कैश पेमेंट कर सकते हो ना पेमेंट। आपको फटाफट क्या होगा कि ये ए आदमी है, इसने सामान दिया, इसने पैसे दिए 500 रुपये किसको, बी को, और बी से, बी ने इसको जो कमोडिटी थी वो कमोडिटी देती। अब इसने 500 रुपये अपने जो कैश दिए बी को, और बी को जो 500 रुपये कैश मिले हैं, तो वो बी को एक तरीके से जैसे ही इसने लिक्विडिटी दी, वो पूरी लिक्विडिटी इसके पास इमीडिएटली ट्रांसफर हो गई। अब बी चाहे तो उन्हीं 500 रुपये को उसी घड़ी में किसी और से कुछ और सामान खरीद ले। अरे भाई समझ कर सकता है ना बी इस चीज को, हेलो, ठीक है ना। तो ये एक तरीके का क्या हो गया, ये एक तरीके की क्या होगी, ये एक तरीके की क्या कहते हैं कि लिक्विडिटी ट्रांसफर हुई यहां से यहां तक, यानी कि वैल्यू का इमीडिएट ट्रांसफर। और जैसे ही मनी इसके पास ट्रांसफर हुई, ये भी उसको एज अ मनी फॉर फर्दर पेमेंट्स यूज कर सकता है, है ना, बात समझ में आ रही है? तो ऐसा तो होता है मनी के केस में। अब देखते हैं क्रेडिट कार्ड में क्या होता है।
क्रेडिट कार्ड में क्या होता है भाई, क्रेडिट कार्ड आपके पास है, आप ए इंडिविजुअल के पास क्रेडिट कार्ड है, इसमें इसको क्रेडिट कार्ड की इसकी लिमिट है सपोज करो 5 लाख रुपए, आजकल इतनी लिमिट दे रहे हैं ज़्यादातर, इतनी तो लिमिट होती है सभी की, मान लेते हैं 5 लाख रुपए दे दिए क्रेडिट कार्ड कि भाई 5 लाख रुपए तक का सामान आप जब मर्जी खरीद सकते हो। अब इसका प्रोसेस कैसे चलता है कि आप विजिट करते हैं किसी शॉप को, ठीक है, और ये शॉप है बी की, आपने इससे सामान लेना है सपोज करो शूज़ खरीदने, आपने इससे शूज़ ले लिए तो आपने कहा कितने रुपए के है, इसने आपको शूज़ के जो प्राइस ऑफ शूज़ था, प्राइस ऑफ शूज़ इसने बताया सपोज करो है 2000 रुपये, तो ये कहता है कि वो कहता है, आप कहते हो भी पेमेंट कैसे लोगे, कैश या कार्ड, तो आप कहते हो, वो कहता है देख जैसे मर्जी दे दो, आप कहते हो भी मेरे पास कार्ड है, मैं कार्ड से पेमेंट कर रहा हूँ। तो जब आप इसके पास अपना मशीन पे कार्ड स्वाइप कर रहे हो तो 2000 रुपये वैल्यू इसको पे करोगे आप इस 5 लाख में से, क्या मेरी बात, इतनी बात समझ में आई है, ठीक है। और जो वो स्वाइपिंग मशीन है जिस पे वो स्वाइप करता है उस कार्ड को, उस स्वाइपिंग मशीन से एक रिसीप्ट निकलती है ना, उस रिसीप्ट को हम बोलते हैं वाउचर, उस पे वाउचर भी लिखा होता है, कभी ध्यान से पढ़ना आप लोग, वाउचर भी लिखा होता है। तो अब क्या करता है ये कार्ड होल्डर, वो जो वाउचर है वो दो तरह का निकलता है, एक होती है कस्टमर कॉपी, एक उस पे लिखा होता है मर्चेंट कॉपी। अरे भी लिखा होता नहीं लिखा होता, हेलो, दो निकलता है ना, तो अब की बार ध्यान देना उस पे, एक एक के ऊपर लिखा होता है कस्टमर कॉपी, एक पे लिखा होता है मर्चेंट कॉपी, ठीक है। तो जो कस्टमर कॉपी है वो तो वो आपको दे देगा कि आपने इतने रुपए की अपने कार्ड में से पेमेंट की, जो मर्चेंट कॉपी है वो अपने पास रख लेता है कि, और उस पे अपने पास रख लेता है कि भाई इतने रुपए की पेमेंट इस आदमी से मैंने इस डेट पर ली। अब ये जो वाउचर होता है ना वाउचर, अब शॉपकीपर के पास तो ये वाउचर है, आर यू गेटिंग माई पॉइंट, भाई शॉपकीपर को अल्टीमेटली क्या मिला, 2000 रुपये वाउचर, तो क्या ये इस वाउचर को यूज कर सकता है, नहीं। ये शॉपकीपर क्या करेगा कि इस वाउचर को अपने पास इकट्ठा करके रखता है, और जब ये इकट्ठा करके रखता है तो इस इन वाउचर्स को वो बैंक में रिप्रेजेंट करता है, बैंक में प्रेजेंट करता है, ठीक है, जिस भी बैंक का वो कार्ड होता है, वो बैंक फिर उसे या तो उसके अकाउंट में ट्रांसफर करेगा, अगर अकाउंट में ट्रांसफर करता है तो उसके डिमांड डिपॉजिट्स बढ़ जाएंगे, उसके अकाउंट का बैलेंस बढ़ जाएगा, है ना, या बैंक उसको करेंसी के फॉर्म में ले सकता है, वो जो करेंसी के फॉर्म में लेगा तो उसके पास कैश बढ़ जाएगा। तो ये जो डिपॉजिट और ये जो कैश आया है उसके पास, ये मनी हुआ ना, क्योंकि इसको अब वो यूज कर सकता है जिसे किसी और के साथ ट्रांजैक्शन करने के लिए। क्या वो इस वाउचर को यूज कर सकता है, क्या वो इस वाउचर को यूज कर सकता है, मान लो वो ये वाउचर लेकर और चला जाए कि देख भाई इस वाउचर पे मर्चेंट कॉपी लिखा है, क्रेडिट कार्ड से उसने पेमेंट किया है, वो मान लो कहे कि ले मुझे छोले भटूरे दे दे भाई इसके, तो दे देगा छोले भटूरे वाला उस वाउचर के बदले में, हेलो, ठीक है। या वो पेट्रोल पंप पे खड़ा होकर कह दे ले भाई ये मेरा वाउचर है एक मेरे पास, ये वाउचर तू ले ले और मेरी गाड़ी में 2000 का पेट्रोल डाल दे, डाल देगा वो पेट्रोल, हेलो, नहीं करेगा ना। तो इसलिए क्रेडिट कार्ड एज अ मनी हम नहीं कह सकते, इसका आंसर नो है, ठीक है। बाकी ये थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन है क्योंकि ज़्यादातर इकोनॉमिस्ट इसको कहते हैं कि भाई नहीं ये मनी नहीं है, क्योंकि मनी में क्या होता है, जब मनी का ट्रांसफ़र होता है तो आप डायरेक्टली पेमेंट कर सकते हो इमीडिएटली उसको, उसको फर्दर यूज़ कर सकते हो फर्दर पेमेंट के लिए, पर वाउचर में या क्रेडिट कार्ड के केस में ऐसा नहीं होता, पर क्रेडिट कार्ड के केस में ऐसा नहीं होता, इसलिए ये क्या है, मनी नहीं है। क्रेडिट कार्ड के केस में ऐसा नहीं होता, इसलिए ये क्या है, मनी नहीं है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है। तो ये मतलब था, ये इस क्वेश्चन का जवाब था कि इज क्रेडिट कार्ड मनी और नॉट।
तो दिस इज हाउ वी हैव डन। आई थिंक किसी को कोई सवाल पूछना है इससे रिलेटेड। हेलो, कंट्रोवर्शियल इसलिए है कि जैसे मैंने बताया ना, कई लोग कहते हैं इट्स अ प्लास्टिक मनी, कई लोग इस तरह से भी तो नाम लेते हैं ना, चाहे डेबिट कार्ड है चाहे क्रेडिट कार्ड है, उसको क्या कहते हैं, इट्स अ प्लास्टिक मनी। हेलो, ठीक है ना। तो कुछ लोग उसको क्या कहते हैं कि कहते भी हैं भाई मनी, पर वो जो इकोनॉमिस्ट होते हैं वो इसको मनी नहीं मानकर चलते, जो इकोनॉमिस्ट होते हैं वो इसको मनी मानकर नहीं चलते, ठीक है। ठीक है, हाँ बोलो। हेलो, हाँ जी बोलो बोलो, आपकी आवाज नहीं आ रही थी, बोलो। क्रेडिट कार्ड रिप्रेजेंटेटिव फुल बोडाइड मनी में आ सकता है, नहीं आ सकता है, ये आपका सवाल है ना। इसको रिप्रेजेंटेटिव फुल बोडाइड मनी इसलिए आप कह सकते हो कि एक तरीके की ये वैल्यू तो देता ही है, पर और इसमें फुल बोडाइड मनी सिर्फ उतने अमाउंट के लिए आप कह लीजिए जितने अमाउंट को आप निकाल पा रहे हो कैश की फॉर्म में, क्योंकि किसी कॉमोडिटी को तो आप क्लेम नहीं कर सकते ना इसके बदले कि मेरा क्रेडिट कार्ड है और क्रेडिट कार्ड बैंक को दे दो तो बैंक आपको कुछ देगा थोड़ी इसके बदले में वापस। भाई मान लीजिए, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, क्रेडिट कार्ड है और क्रेडिट कार्ड की वैल्यू है 5 लाख रुपए लिखा हुआ, ठीक है। तो बैंक ने तो एक तरीके से ये प्री अप्रूव्ड लोन दिया आपको, यस और नो? बैंक ने एक तरीके से आपको क्या दिया, ये प्री अप्रूव्ड लोन दिया है कि आपको पहले से अप्रूव कर दिया लोन, लो भाई 5 लाख रुपए तक की हम परमिशन दे रहे हैं, जब मर्जी खर्च कर लेना, पर इतने दिनों में वापस कर देना, अगर इतना लेट करोगे तो इतना चार्ज इंटरेस्ट लगेगा, इतना लेट करोगे इतना लगेगा, इतना लेट पेमेंट चार्ज है, ये है वो है, यही तो मतलब हुआ क्रेडिट कार्ड का, ठीक है ना। तो ये तो एक तरीके से प्री अप्रूव्ड लोन हो गया, तो इसका मतलब हो गया क्या हर तरीके का लोन जो होगा वो रिप्रेजेंटेटिव फुल बोडाइड मनी होगा? आंसर इज नो, क्योंकि जो गोल्ड सर्टिफिकेट था जो मैंने एग्जाम्पल दिया आपको, गोल्ड सर्टिफिकेट कोई लोन थोड़ी था, कोई मेरे ऊपर कर्ज थोड़ी था, वो तो मेरे को एक सर्टिफिकेट मिला हुआ है, क्लेम था, ठीक है ना, कि ये सर्टिफिकेट मिला हुआ है, तो उसको तो हम कह सकते हैं रिप्रेजेंटेटिव। तो इस लॉजिक से हम जाते हैं तो आई डोंट थिंक द क्रेडिट कार्ड विल यू नो फुलफिल द कंडीशन ऑफ व्हाट डू यू कॉल इट रिप्रेजेंटेटिव फुल बोडाइड मनी, इज दैट ओके? ठीक है, हाँ डेबिट कार्ड को भी ले लेते हैं, डेबिट कार्ड को देख लीजिए, डेबिट कार्ड से पेमेंट करते हो तब भी वाउचर निकलता है, क्रेडिट कार्ड से करो या डेबिट कार्ड से तो भी वाउचर मिलेगा, और वाउचर में एक होगी कस्टमर कॉपी और एक होगी एक तरीके से मर्चेंट कॉपी। बात समझ में आ रही है? बस डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में ये कितना है कि इसमें आपके अकाउंट में पैसा जितना रखा है उसके हिसाब से आप पेमेंट कर पा रहे हो, इसमें एक तरीके से उन्होंने क्रेडिट कार्ड इशूइंग अथॉरिटी ने आपका अकाउंट खोल दिया है और इसको आप पेमेंट कर रहे हो, बट फर्क सिर्फ इतना है कि इसमें से आपके जो अकाउंट के खुद का अकाउंट है बैंक में डाला हुआ है, इसमें से जो पैसा निकालोगे और उसको पे कर दोगे तो आपको दोबारा बैंक को रीपे करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें बस आपको रीपे करना होता है, इसीलिए इसको हम लोन कह रहे हैं, इसको हम अपना पैसा कह रहे हैं, पर मैकेनिज्म तो दोनों का सेम ही है। हेलो, दोनों का जो ऑपरेशन का मैकेनिज्म है वो तो सेम ही है, दोनों कार्ड एक तय एक जैसे दिखते हैं, बस उस पे एक पे डेबिट कार्ड लिखा होता है एक पे क्रेडिट कार्ड लिखा होता है, और तो कुछ फर्क नहीं होता ना, प्रोसेस तो वैसे ही चल रहा है, प्रोसेस तो वैसे ही चल रहा है। तो मर्चेंट को भी वो एकदम से तो पैसे नहीं आए ना उसके पास, उसके पास तो ये मर्चेंट कॉपी है, वो तो उसे बैंक में रिप्रेजेंट करेगा, तो इसलिए डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड दोनों एक तरह की कैटेगरी में है, ना तो ये मनी है ना ये मनी है, ठीक
ठीक है। फोन पे इज नॉट अ मनी, फोन पे इज अ मीडियम, और यू कैन से वो तो एक तरीके का मीडियम है जिसके थ्रू आप बैलेंस ट्रांसफर कर रहे हो एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है। वो मनी नहीं है, वो तो एक तरीके के पर्स हो गए आप, तो कि आपने जैसे ये पेटीएम हो गया, ठीक है, जैसे मैंने अमेजोन का एग्जांपल दिया था, अमेजोन के वो जो चल रहे हैं आपके वॉलेट्स वगैरह, अमेजोन के, एयरटेल के, ये डिफरेंट वॉलेट्स हैं ना ये, तो वो तो एक तरीके से वॉलेट हम किसको बोलते हैं, पर्स को ही बोलते हैं ना, जिसमें हम पैसा इकट्ठा करके रखते हैं। तो अब मैंने अपने पर्स में, अगर अपने घर में से अपने अकाउंट में से पैसा निकाल कर मैंने अपने पर्स में रख दिए, तो मेरा पर्स मनी नहीं बन गया ना, पर्स के अंदर मनी है, पर्स मनी नहीं बन गया, ठीक है। ये इसमें डिफरेंस है, मेरा यही सबमिशन है फिलहाल। कोई और सवाल पूछना किसी ने? हेलो हेलो, किसी ने कोई और सवाल पूछना है? हेलो, शैल यू प्रोसीड नाउ, शैल यू प्रोसीड नाउ। अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक आता है, लेट मी ऐड सम पेजेस यू नो, नहीं तो क्या होगा बाद में कि हमें जब पेज की ज़रूरत पड़ेगी तो लास्ट में ख़त्म हो जाएगा ये, फिर आगे एक्सटेंड नहीं हो पाएगा। तो लेट मी ऐड फ्यू पेजेस फर्स्ट फॉर प्रोसीडिंग। अब जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है एवोल्यूशन ऑफ बैंक्स, कि बैंक कैसे इवॉल्व हुए, भाई बैंक बनना कैसे शुरू हुआ, कैसे कंसेप्ट ऑफ बैंक शुरू हुआ, कंसेप्ट ऑफ बैंक, कंसेप्ट ऑफ करेंसी कैसे शुरू हुआ। टॉपिक है जो एवोल्यूशन ऑफ बैंक, अब ये कहानी कैसे शुरू होती है, इसको आप ऐसे भी कह सकते हो कि करेंसी, करेंसी कैसे ऑपरेशन में आनी शुरू हुई, ठीक है ना, इसको हम इस तरह से भी कह सकते हैं, और इस तरह से भी कह सकते हैं कि एक तरीके से कि जो बैंक्स हैं वो एवोल्यूशन में किस तरह से आए, ये दोनों ही तरीके से इस चीज़ को लिया जा सकता है, ठीक है। तो अब इसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, समझेंगे, और एक तरीके से ये कहानी के तरह है, इसको सुनेंगे, क्यों, क्योंकि जो एवोल्यूशन है वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम होता है, और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम किसी भी चीज़ के एवोल्यूशन में बहुत सारे डायनेमिक्स बीच में आते हैं, कई बार बॉटल नेक्स आते हैं, उन बॉटल नेक्स को, उन डायनेमिक्स को, उन कन्वेंशंस को दूर करने के लिए, उन कन्वेंशंस को दूर करने के लिए या उन कन्वेंशंस को ओवरकम करने के लिए कुछ नई चीज़ों के, कुछ नए मैकेनिज़म्स की ज़रूरत होती है, जो कि रिजल्ट करती है नए सिस्टम की, इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू सिस्टम, ठीक है। तो इसको इसीलिए मैंने कहानी कहा है कि भाई, क्योंकि ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हुआ है, ये एकदम से स्टार्ट नहीं हुई है, ये चीज़ें ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हुई है, इसीलिए इसको टर्म दिया हुआ है एवोल्यूशन ऑफ बैंक्स। अब बैंक में हम क्या करते हैं, सब सोच के देखो, बैंक में क्या करते हैं, पैसा डिपॉजिट करते हैं, या उससे विड्रॉ कर सकते हैं, या उससे लोन ले सकते हैं, इज दैट ओके। तो पहले की जब अर्ली टाइम्स में जब सोसाइटीज थी, तो सोसाइटीज में बैंक्स नहीं होते थे, सोसाइटीज में गोल्ड स्मिथ्स होते थे। जो गोल्ड स्मिथ्स होते थे वो ही एक्ट करते थे एज अ बैंक,
कैसे एक्ट करते थे एज अ बैंक, लेट मी गिव यू फ्यू एग्जांपल्स कि पहले क्या होता था कि अगर आप देखो कि लोगों की इनकम या करेंसी उस तरह की फॉर्म में नहीं होती थी जिस तरह की फॉर्म में आजकल हम पेपर करेंसी लेकर चल रहे हैं, इज दैट ओके, जिस तरह से आज के टाइम में हम पेपर करेंसी लेकर चल रहे हैं। तो अब सवाल यह है कि ये पेपर करेंसी कैसे शुरू हुई और धीरे धीरे कैसे बैंकिंग सिस्टम डेवलप हुआ और बैंक बनने लग गए थे। तो जो गोल्ड स्मिथ होता था, गोल्ड स्मिथ क्या करता था, सभी लोग उसी के पास अपने गोल्ड को रिजर्व रखते थे, एक तरीके से उसके पास रिजर्व रखते थे, उसी से उधार वगैरह भी लेते थे पैसे। आपने पुरानी फिल्मों में देखा होता है एक मुंशी टाइप होता है, और जो गांव देहात के जो लोग दिखाए जाते हैं उनमें क्या होता है कि वो लोग कमाई करते हैं खेतों से और साहूकार के पास जाते हैं, उसी के पास अपनी कमाई जमा भी करा देते हैं, गोल्ड जमा करा देते हैं, अपने प्रीशियस मेटल्स जमा करा देते हैं, और उसी से वो अपने गोल्ड को टाइमली जब ज़रूरत होती है वापस ले लेते हैं, और उसको जो उससे उधार लेते हैं उस पर ब्याज वगैरह देते हैं, इंटरेस्ट वगैरह पे करते हैं। इस तरह का सिस्टम आपने देखा होगा, तो यही सिस्टम होता था। तो अब गोल्ड स्मिथ क्या करता है, जैसे सपोज करो तीन इंडिविजुअल है, एक ए, एक बी, एक सी। तो ए ने अपना 10 ग्राम गोल्ड रखा है इसके पास, बी ने अपना 20 ग्राम गोल्ड रखा है इसके पास, सी ने अपना 30 ग्राम गोल्ड रखा है इसके पास। तो इस गोल्ड स्मिथ के पास टोटल गोल्ड डिपॉजिट कितना हो गया, टोटल गोल्ड डिपॉजिट हो गया 60 ग्राम। ठीक है, ये किसके पास हो गया, गोल्ड स्मिथ के पास, जीएस लिख रहा हूँ मैं, गोल्ड स्मिथ के पास इकट्ठा। अब जब ए ने बी से ट्रांजैक्शन करनी है कोई, या बी ने सी से ट्रांजैक्शन करनी है, या ए ने सी से ट्रांजैक्शन करनी है, तो अब ये क्या करेंगे, इन्होंने अपना पैसा इसके पास जमा कर दिया। अब ए ने किसी बी से कुछ सामान खरीदना था, तो अब ए को इसे पेमेंट करनी पड़ेगी। सपोज करो ए को इसे 5 ग्राम गोल्ड पेमेंट करनी है, क्योंकि गोल्ड में हो रही है पेमेंट, तो 5 ग्राम गोल्ड इसे करना है। तो ए क्या करेगा, ए गोल्ड स्मिथ के पास जाएगा, गोल्ड स्मिथ को कहेगा कि मेरे को 5 ग्राम मेरा गोल्ड वापस कर दो। तो गोल्ड स्मिथ इसको 5 ग्राम गोल्ड दे देगा, ये उस गोल्ड को लेगा और सी के पास जाएगा, कहेगा ये ले 5 ग्राम गोल्ड और मुझे दे दे जो भी सामान देना चाहे, चाहे वीट था, चाहे राइस था, चाहे कुछ भी था, वो ये उस सामान को ले लेगा। अब ये सी क्या करेगा, अब सी अपने पास तो रखना नहीं है गोल्ड को, ये सी इस 5 ग्राम गोल्ड को लेगा, फिर गोल्ड स्मिथ को दे के आ जाएगा। तो गोल्ड स्मिथ के पास से एक बार ए आया, तो ए ने 5 ग्राम गोल्ड माइनस किया, तो गोल्ड स्मिथ के पास अब रह गया 55 ग्राम गोल्ड। फिर ए ने सी को पे कर दिया, टू पे सी, सी को पे किया, तो सी के पास क्या हो गया, 5 ग्राम गोल्ड आ गया। सी फिर से गोल्ड स्मिथ के पास जाता है और 5 ग्राम गोल्ड को जमा कर देता है, डिपॉजिट कर देता है, तो गोल्ड स्मिथ के पास फिर से 60 ग्राम गोल्ड आ गया। अब ये तो जस्ट मैंने तीन लोगों का एग्जांपल दिया, ऐसे बी भी करेगा, मान लो इसने बी से भी कुछ सामान करना है, तो फिर ये इससे लेगा और इसको देगा, ये फिर जाकर वहीं जमा करेगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को, हेलो, ठीक है, ये इस तरह से करेगा। अब सपोज करो ये तो मैंने एक एग्जांपल ले लिया 10-10 ग्राम 20-20 ग्राम गोल्ड का, ऐसे ही सपोज करो इनका काफ़ी सोना, काफ़ी क्वांटिटी में गोल्ड इसके पास इकट्ठा हुआ, क्योंकि इकोनॉमी है तो वहाँ पर सिर्फ 2 या 3 लोग नहीं होंगे, वहाँ पर एन नंबर ऑफ पीपल्स होंगे, पॉपुलेशन भी ज़्यादा होगी, सबके गोल्ड इसी के पास है। तो धीरे धीरे इस गोल्ड स्मिथ ने क्या रियलाइज़ किया और लोगों ने भी क्या रियलाइज़ किया कि यार हम बेफिजूल में उसके पास जाते हैं, गोल्ड लेते हैं और उसको लाते हैं और फिर इसको गोल्ड देते हैं, फिर ये जाके वहीं जमा कर देता है। तो इन्होंने म्यूचुअल कंसेंट से सोसाइटी में धीरे धीरे क्या होना चाहिए, गोल्ड स्मिथ ने क्या करना शुरू किया, स्लिप्स इशू करना शुरू कर दिया, या जिसको आप रिसीप्ट कहते हैं, ठीक है, रिसीप्ट देना शुरू कर दिया। जैसे ही गोल्ड स्मिथ ने रिसीप्ट दी, तो इसने एक तरीके से रिसीप्ट ले ली, इसने एक तरीके से रिसीप्ट ले ली, और जो रिसीप्ट ले ली ए ने रिसीप्ट ले ली 10 ग्राम गोल्ड की, बी ने रिसीप्ट ले ली सपोज करो 20 ग्राम गोल्ड की, सी ने रिसीप्ट ले ली सपोज करो 30 ग्राम गोल्ड की। अब ये ए के पास भी
रिसीप्ट है, गोल्ड नहीं है, गोल्ड तो गोल्ड स्मिथ के पास रखा है, ठीक है, क्या है ए के पास, रिसीप्ट है, रिसीप्ट मैंने लिख दिया, आर ए इज इक्वल्स टू 10, ये 10 ग्राम मान लो इसको, और बी है तो आर बी इज इक्वल्स टू 20, और ऐसे ही मान लेते हैं सी है तो आर सी इज इक्वल्स टू 30, यानी कि इसके पास 10 ग्राम गोल्ड की रिसिप्ट है। इसके बाद वो अलग बात है कि इसको अलग अलग उसमें भी बनाया जाता है। अब ये रिसिप्ट है, अब सवाल ये, जब एक रिसिप्ट दी तो अब ए को ये समस्या आ गई कि भाई साहब ऐसा है, ये मुझे तो 5 ग्राम का वो पेमेंट करनी है, तो मैं 5 ग्राम की पेमेंट कैसे करूं। तो ए ने गोल्ड स्मिथ को बोला कि भाई साहब ऐसा करो, मुझे 10 ग्राम की एक रिसिप्ट की जगह 5-5 ग्राम की दो दे दो। तो उसने इसको RA1 दे दी 5 ग्राम की, और RA2 दे दी 5 ग्राम की, दो रिसिप्ट होगी। अब वो इन रिसिप्ट से एक्सचेंज करेंगे, गोल्ड उसके पास जमा है, वो रिसिप्ट से एक्सचेंज करेंगे। तो ऐसे ही सोसाइटी में क्या हुआ, धीरे धीरे गोल्ड जमा होने लगा, ठीक है, सॉरी, धीरे धीरे गोल्ड जमा होने लगा इन इसके पास, क्या कहते हैं कि जो ये है गोल्ड स्मिथ के पास, और वो रिसिप्ट इशू करने लग गया। क्या मैं इतनी बात समझ में आई आप लोगों को, ठीक है, और लोग उन रिसिप्ट को ही वैल्यू करने लग गए, क्योंकि उन सबको मालूम है गोल्ड गोल्ड स्मिथ के पास रखा है, ठीक है ना, क्योंकि गोल्ड को तो कैरी करना, निकाल के लाना एक मुश्किल बात होगी ना, पहले मैं निकाल के लाऊंगा, फिर दूसरे को दूंगा, फिर वो ले जाएगा, फिर उसी बंदे के पास लेके जाएगा। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या होने लगा कि गोल्ड स्मिथ को ये रियलाइज होने लगा कि मेरे पास जितने रुपए का गोल्ड है, अब कायदे से देखा जाए तो गोल्ड स्मिथ के पास इस इकोनॉमी में, गोल्ड स्मिथ के पास गोल्ड डिपॉजिट है सिर्फ 60 ग्राम, ठीक है, तो यानी कि इसकी गोल्ड स्मिथ की दूसरे लोगों को गोल्ड देने की जो लायबिलिटी है, जो जिम्मेदारी है, वो गोल्ड देने की कितनी की जिम्मेदारी है, 60 ग्राम की, कि भाई इसके जिम्मेदार है, इसको 10 ग्राम देने का जिम्मेदार है, इसको 20 ग्राम देने का जिम्मेदार है, इसको 30 ग्राम देने का जिम्मेदार है, यस और नो, है ना। और जो ये गोल्ड स्मिथ है, जब जैसे ये एक ट्रांजेक्शन हुई थी, ये ट्रांजेक्शन, इस ट्रांजेक्शन के पास ए के अकाउंट में जो गोल्ड स्मिथ है उसके पास 5 ग्राम गोल्ड बच जाएगा, बी के अकाउंट में जो गोल्ड स्मिथ है उसके पास 20 ग्राम ही रहेगा, और सी के अकाउंट में जो ये गोल्ड स्मिथ है इसके पास एक तरीके से 35 ग्राम हो जाएगा, है कि नहीं, पर टोटल 60 ग्राम है ना। तो इस ट्रांजैक्शन के बाद इस गोल्ड स्मिथ की जिम्मेदारी कितनी है कि ए को ये 5 ग्राम गोल्ड देना है, बी को 20 ग्राम गोल्ड देना है, और सी को 35 ग्राम गोल्ड देना है, इज दैट ओके। हेलो, इतनी बात समझ आई है। अब गोल्ड स्मिथ ने भी थोड़ी चालाकी की, चालाकी इन द सेंस कि उसको भी थोड़ा मैकेनिज्म समझ आया। अब मान लो उसके पास कोई बंदा आ गया एक्स वाई जेड, अब इसके पास तो 60 ग्राम गोल्ड है, अब गोल्ड स्मिथ के पास कोई एक और इंडिविजुअल आ गया, लेट अस अज्यूम एंड नेम दैट इंडिविजुअल टू बी द डी, डी आ गया, डी कहता क्यों, डी आ गया, अब गोल्ड स्मिथ तो क्या देता है, अब गोल्ड नहीं देता गोल्ड स्मिथ, अब गोल्ड स्मिथ क्या इशू करता है, रिसीप्ट इशू करता है ना, क्या इशू करता है, रिसीट इशू करता है, इज दैट ओके, या चिट्स इशू करता है, रिसीट्स या चिट्स, वट एवर इट इज, जो भी उस टाइम होता था, तो हम रिसीट ही मानकर चल रहे थे, या पे ऑर्डर, रिसीप्ट कह लीजिए या पे ऑर्डर कह लीजिए, पे ऑर्डर, ठीक है, ऑर्डर या रिसीप्ट कह लीजिए, तो वो इशू करता है। अब गोल्ड स्मिथ के पास ही आ गया डी, कहता भाई साहब मेरे को तो पैसे चाहिए थोड़े, आप मुझे दे दो उधार। कहता कितने चाहिए, कहता मुझे 10 रुपये चाहिए, उस टाइम पे 10 रुपये की भी वैल्यू बहुत होती, तो ये क्या कहता, या मतलब कि 10 रुपये का सामान मुझे खरीदना है। तो ये गोल्ड स्मिथ कहता है अच्छा चल ठीक है, क्योंकि अब इसे गोल्ड तो देना नहीं है, गोल्ड इसके पास कितना ही है, 60 ग्राम है, इसने गोल्ड स्मिथ ने इसको एक रिसीप्ट इशू कर दी 10 ग्राम ऑफ गोल्ड के बराबर वैल्यू की, या पे ऑर्डर इशू कर दिया, उसने कहा ये ले दे दियो किसी को भी, उसे किसी को भी, और वो आगे कर लेगा, तो इसके पास हो गया, तो ये इसने लोन एक्सटेंड कर दिया 10 ग्राम का, गोल्ड इसके पास 60 ग्राम है पर वैल्यू
चिट्स कितने रुपए की इशू कर दी इसने, 60 रुपए की तो इनको कर रखी है, 5 रुपए की इसको इशू की होगी, 20 रुपए की इसको इशू की होगी और 35 रुपए की इसको की होगी, और ऐसे ही अब डी एक और आ गया 10 रुपए की इसको कर दी, तो टोटल वैल्यू कितनी कर दी इशू 70 ग्राम गोल्ड के बराबर वैल्यू इशू कर दी, जबकि एक्चुअल में उसके पास 60 ग्राम गोल्ड है, क्योंकि उसको मालूम है एक्चुअल में कोई गोल्ड निकालने तो आ ही नहीं रहा है, सब लोग क्या निकालने आ रहे हैं, चिट लेने आ रहे हैं और चिट से वो पेमेंट का काम चल रहा है। तो ये जो पे ऑर्डर होते थे, इन पे ऑर्डर को जनरल एक्सेप्टेंस मिलने लग गई, हेलो, इन पे ऑर्डर को जनरल एक्सेप्टेंस मिलने लग गई, तो ये पे ऑर्डर एक तरीके से मनी का काम करने लग गए। नहीं आ रही बात, ये पे ऑर्डर क्या थे, मनी का काम करने लग गए, और ये जो गोल्ड स्मिथ है ये एक तरीके से लोगों से डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रहा है, लोगों को लोन दे रहा है, तो गोल्ड स्मिथ ने एज अ बैंक एक्ट करना शुरू कर दिया, वो एज अ बैंक एक्ट करने लग गया। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे सिविलाइजेशन बढ़ता है और एडवांसमेंट, मॉडर्नाइजेशन और एडवांसमेंट बढ़ती है, धीरे धीरे क्या होता है, रिफाइनमेंट होता जाता है चीज़ों का, ठीक है। तो इस तरीके से धीरे धीरे जो बैंक्स थे इसकी ऑर्गेनाइजेशंस खुलने लग गई, एज एन ऑर्गेनाइजेशन खुलने लगे और बैंक एग्जिस्टेंस में आ गए। तो जब बैंक एग्जिस्टेंस में आए तो बैंकों का काम क्या था, बैंकों का काम हो गया एक तरीके से दो काम हो गए, तो डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करना, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, डिपॉजिट्स, और दूसरा जो क्या कहते हैं कि काम इनका था वो लैंडिंग फंक्शन, फंक्शन। तो जब ये दोनों चीजें चली तो आप देखो, थोड़ा ऑब्जर्व करो धीरे धीरे, कि जो ये पे ऑर्डर थे इन्होंने तो मनी का फॉर्म लिया, और पे ऑर्डर ने आगे जाके करेंसी की फॉर्म कन्वर्ट की, जो कि करेंसी होने लग गई किसकी फॉर्म में, नोट्स की फॉर्म में और कॉइन्स की फॉर्म में। तो एक तरीके से पे ऑर्डर ने तो करेंसी का फॉर्म ले लिया ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, और जो गोल्ड स्मिथ था उसने बैंक की फॉर्म ले ली। तो करेंसी यानी कि मनी और बैंकिंग दोनों एक साथ एग्जिस्टेंस में धीरे धीरे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आने लग गई, उनमें और नई तरह की रिफाइनमेंट्स होने लग गई, नई तरह के चेंजेस होने लग गए। इज दैट ओके विद यू ऑल? इसमें इससे रिलेटेड किसी ने कोई सवाल पूछना है, इससे रिलेटेड कोई सवाल पूछना है किसी ने? ठीक है, ये हो गया। तो इससे ही रिलेटेड अब आगे एक प्रोसेस आता है जिसको हम बोलते हैं क्रेडिट क्रिएशन। तो ये जो लोन एक्सटेंड कर रहा था, जबकि इसके पास 60 ग्राम का गोल्ड है पर ये 10 ग्राम का और रिसीट्स या पे ऑर्डर्स इसको इशू कर देता है, तो इसको एक तरीके से हम बोलते हैं प्रोसेस को क्रेडिट क्रिएशन। ये जो प्रोसेस चला थ्रू एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स और लैंडिंग, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्रेडिट क्रिएशन, क्रेडिट क्रिएशन या डिपॉजिट क्रिएशन, ठीक है। तो अब जो हमारा सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टडी है आगे, वो है क्रेडिट क्रिएशन क्या होता है। इज दैट ओके? इज दैट ओके? समझ में आया आप लोगों को ये? तो अब हम देखते हैं क्रेडिट क्रिएशन क्या होता है, प्रोसेस को समझते हैं। क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस, अब हम समझते हैं क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस क्या होती है। लेट अस स्टार्ट। क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस, प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन, कि क्रेडिट क्रिएशन का प्रोसेस क्या है, ठीक है। तो इसको हम लोग देख लेते हैं, क्रेडिट क्रिएशन का प्रोसेस क्या है। इसको हम दो तरह से देखेंगे, क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस को दो तरह से देखेंगे हम। एक तो हम देखेंगे एक तरीके से सिंगल बैंक इकोनॉमी में, एक हम देखेंगे मल्टीपल बैंक इकोनॉमी।
एक देखेंगे सिंगल बैंक इकोनॉमी में, एक मल्टीपल बैंक की। सिंगल बैंक इकोनॉमी में देखने के लिए एक तरीके से हम ये मानकर चलेंगे कि इकोनॉमी में एक ही बैंक है, ये सिर्फ जो हम सिंप्लीफिकेशन के लिए ऐसा कर रहे हैं कि कंसेप्ट को सिंप्लीफाई करने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं कि सिंप्लीफिकेशन के लिए हम ऐसा कर रहे हैं, कंसेप्ट को हम सिंप्लीफिकेशन के लिए ऐसा कर रहे हैं। अब इस कंसेप्ट को समझने से पहले, इस कंसेप्ट को समझने से पहले हम एक तरीके से इसको समझेंगे कि भाई बैंकिंग सिस्टम चलता किस बात पर है, ताकि हम एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग बैंकिंग सिस्टम की फंक्शनिंग की बना लें, और उस कॉमन अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पर, उस कॉमन अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पर फिर हम सेग्रीगेट करेंगे कि सिंगल बैंक इकोनॉमी और मल्टीपल बैंक इकोनॉमी में क्रेडिट क्रिएशन कैसे होता है, सिंगल बैंक इकोनॉमी और मल्टीपल बैंक इकोनॉमी में क्रेडिट क्रिएशन कैसे होता है, इस चीज़ को हम देखेंगे। तो पहले हम समझना चाहेंगे, एक मिनट का वेट कीजिए आप। वेल लेट्स स्टार्ट वंस अगेन। तो अब हम क्या करेंगे, इसको समझने के लिए हमें एक बैंकिंग, बैंक किस फिलॉसफी पे या बैंक किन प्रिंसिपल्स पे काम करता है, पहले हम उसको समझ लेते हैं। इज दैट ओके? हेलो, इज दैट ओके? कि बैंक किस फिलॉसफी पे काम करता है, हम इसको समझ लेते हैं, ठीक है। अब ये देखिए कि जो एक बैंक होता है, अब बैंक का मतलब क्या होता है, बैंक का मतलब है एक तरीके से ट्रस्ट, ट्रस्ट यानी कि एक तरीके का विश्वास जिसको हम कहते हैं। कई बार आपने सेंटेंस सुना होगा, आई एम बैंकिंग ऑन यू, यस और नो? आपने कई बार सेंटेंस सुना होगा आई एम बैंकिंग ऑन यू, आई एम बैंकिंग ऑन यू, यस और नो? हेलो, तो आपने सुना होगा आई एम बैंकिंग ऑन यू, तो ये एक तरीके से बैंकिंग ऑन यू का मतलब होता है एक तरीके का ट्रस्ट, कि आप लोग एक तरीके से ट्रस्ट कर रहे हो किसके ऊपर, एक ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, और वो ट्रस्ट है, बैंक का मतलब ट्रस्ट है। तो जो पूरा बैंकिंग सिस्टम चलता है वो ट्रस्ट के बेसिस पर ही चलता है, जो पूरा बैंकिंग सिस्टम चलता है वो किसके बेसिस पर चलता है, ट्रस्ट के बेसिस पर ही चलता है, कि कितना आपको ट्रस्ट है, कितना आपको विश्वास है किसी चीज़ के ऊपर, ठीक है। अब पब्लिक क्या करती है, पब्लिक एक तरीके से बैंक को डिपॉजिट करती है, पैसा बैंक में डिपॉजिट करती है। अब पब्लिक क्या करती है, बैंक में डिपॉजिट करती है पैसे। जब पब्लिक बैंक में डिपॉजिट करती है तो एक पब्लिक को विश्वास होता है कि जब कभी भी अगर मैं अपने अकाउंट में जितने पैसे मैंने जमा किए हैं उन पैसों को अगर मैं विड्रॉ करता हूँ तो बैंक मुझे कभी भी वो विड्रॉल के लिए मना नहीं करेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हेलो, बैंक कभी भी मुझे उन विड्रॉल के लिए मना नहीं करेगा। इस तरह के विश्वास के साथ जो है एक बैंकिंग सिस्टम चलता है। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो बैंक है वो एक तरीके से इंटरमीडियरी होता है, इंटरमीडियरी होता है, जिसको हम फाइनेंशियल इंटरमीडियरी भी कह सकते हैं, ठीक है। तो बैंक क्या करता है, जो फंड्स सरप्लस इंडिविजुअल्स होते हैं उनसे डिपॉजिट्स की फॉर्म में लेता है पैसा, यानी कि फंड सरप्लस मतलब जो पब्लिक है
पब्लिक जिनके पास एक्स्ट्रा पैसे होते हैं या जिन्होंने अपनी सेविंग्स कर रखी हैं, वो तो वही तो जाकर बैंकों में जमा करते हैं, और जो फंड्स डेफिशिएट जो इंडिविजुअल्स होते हैं, उन फंड्स डेफिशिएट इंडिविजुअल्स को क्या करते हैं, एक तरीके से लैंड करता है बैंक, यस और नो? तो अब बैंक ने लैंड कर रखे हैं पैसे और यहाँ से आ रहे हैं, ये आगे लैंड कर रहा है, इनसे वो इंटरेस्ट चार्ज करता है और इनको इंटरेस्ट पे करता है। भाई एक बैंक क्या करता है कि जिन लोगों से डिपॉजिट लेता है तो उस डिपॉजिट को इंटरेस्ट पे कर रहा है, और जिन लोगों को लैंड करता है उनसे इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? उनसे इंटरेस्ट क्या कर रहा है? चार्ज कर रहा है, और उसका जो भी डिफरेंस होता है उसको ये अपना एक तरीके से इनकम या रेवेन्यू लेकर चलता है, और उसके बाद इस रेवेन्यू में से जब ये बैंक अपना प्रॉफिट निकालता है तो रेवेन्यू में से माइनस करता है किसको? कॉस्ट को माइनस करता है, और जो भी कुछ बचता है सभी तरह की कॉस्ट, जैसे ऑपरेशन कॉस्ट निकाल कर कि भाई आपने क्या कहते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी बिल है, लोगों की सैलरी है, ठीक है, अदर तरह के मेडिकल एक्सपेंसेस जो कंपनसेट करने पड़ते हैं इम्प्लॉइज़ को, या स्टेशनरी जो यूज़ हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, वाटर बिल है, अदर तरह के जो भी एक्सपेंडिचर्स हैं एक बैंक को मैनेज करने के लिए, तो वो सारी कॉस्ट निकाल के जो भी पैसा बचता है वो बैंक का एक तरीके से प्रॉफिट होता है। इज दैट ओके? ठीक है। अब ये प्रॉफिट बैंक तब तक ही कमा पा रहा है जब तक लोग कंटिन्यूसली बैंक में डिपॉजिट भी कर रहे हैं और बैंक से बोरो भी कर रहे हैं, और जो लोग ये बोरो कर रहे हैं ये टाइमली बैंक को रीपेमेंट कर रहे हैं, है ना, कि जो इनकी बोरोइंग्स थी जितने टाइम के लिए इन्होंने बोरो किया उस स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम के बाद ये रीपेमेंट कर देंगे बैंक को, ये क्या कर देंगे? रीपेमेंट कर देंगे, और बैंक को ये भी ऐसे ही इनके पास डिपॉजिट कर रहे हैं, तो बैंक को मालूम है, बैंक को अपने एक्सपीरियंस से मालूम होता है कि जो ये लोग डिपॉजिट कर रहे हैं कुछ लोग विड्रॉ भी करते होंगे, यस और नो? पब्लिक क्या करती है? बैंक में डिपॉजिट भी करती है और बैंक से विड्रॉ भी करती है, तो बैंक को अपने एक्सपीरियंस से मालूम होता है कि जो लोग डिपॉजिट कर रहे हैं और जो विड्रॉ कर रहे हैं वो अलग अलग लोग होते हैं। अब ऐसा तो कभी करोगे नहीं कि आप बैंक पैसा लेकर भी जाओगे और उसे कहोगे मैं तो आज इतने जमा करने वाला आया हूँ और इतने निकालने आया हूँ, ऐसा तो नहीं करोगे ना? हेलो, है ना, यूजुअली क्या होता है कि जिस दिन हम जमा करने जाते हैं उस दिन हम विड्रॉ नहीं करते, और जिस दिन हम विड्रॉ करने जाते हैं उस दिन हम जमा नहीं कर रहे होते हैं पैसे। तो अल्टीमेटली होता क्या है कि जो डिपॉजिट है, जो डिपॉजिट और विड्रॉल करने वाले इंडिविजुअल्स अलग अलग होते हैं, तो बैंक को ये मालूम होता है कि डेली मेरे पास कुछ विड्रॉल्स भी हैं जो मुझे फुलफिल करने हैं, जो मुझे देने पड़ेगी पेमेंट क्योंकि मैं उन्हें मना नहीं कर सकता हूँ, और बैंक को ये भी मालूम है कुछ मेरे पास डिपॉजिट्स भी डेली आते हैं, यस और नो? हेलो, यस और नो? ठीक है। तो अब बैंक को जब मालूम है कि भाई मुझे डिपॉजिट भी देने हैं और विड्रॉल्स भी देने हैं, तो बैंक को अपने एक्सपीरियंस से ये मालूम होता है कि आउट ऑफ टोटल डिपॉजिट्स हाउ मच प्रोपोर्शन आर बीइंग विड्रॉन, कि टोटल डिपॉजिट्स जितने हैं उन टोटल डिपॉजिट्स में से लगभग कितना प्रोपोर्शनेट अमाउंट डेली विड्रॉ हो रहा है, तो उतना अमाउंट बैंक के पास हमेशा रहना चाहिए, क्योंकि अगर उतना अमाउंट बैंक के पास हमेशा नहीं है तो बैंक लोग जो लोग विड्रॉ करने आएंगे बैंक उनको पेमेंट नहीं कर पाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है ना, कि बैंक को अगर लोगों के विड्रॉल्स का क्लेम्स को फुलफिल करना है, यानी कि जो विड्रॉल है जो डिपॉजिट हमने किए हैं उसके बेसिस पर हम क्लेम्स भी करते हैं, क्लेम्स मतलब जो विड्रॉल क्लेम्स हैं, तो हम लोग जब क्लेम करेंगे बैंक को कि भाई हमें इतना पैसा अपने अकाउंट में से निकालना है, तो बैंक के पास उतना पैसा होना चाहिए ना, तभी तो बैंक हमको देगा। अगर सपोज करो जो पैसा सारा था वो सारा का सारा बैंक ने अगर लोन दे दिया है किसी को या आगे लैंड कर दिया है पूरा का पूरा पैसा,
तो बैंक के पास तो कुछ बचा ही नहीं अपने पास अब, तो बैंक पे कहां से करेगा जब लोग विड्रॉ करने आएंगे, बैंक नहीं पे कर पाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अगर बैंक नहीं पे कर पाता है तो उस सूरत में क्या होगा, लोगों का कॉन्फिडेंस जो है बैंकों से लूज होना, बैंक से लूज होना शुरू हो जाएगा, और बैंक से कॉन्फिडेंस लूज जब लोगों का होना शुरू होगा तो उसके बाद क्या होगा कि भाई एक तरीके से कि एक का कॉन्फिडेंस लूज हुआ, दूसरे का लूज हुआ, तीसरे का लूज हुआ, तो उस सिचुएशन को हम बोलते हैं बैंक पैनिक। उसको हम क्या बोलते हैं? बैंक पैनिक। उस सिचुएशन को बोलते हैं बैंक पैनिक। और जैसे ही ये बैंक पैनिक होगा, सब लोग बैंक के सामने खड़े हो जाएंगे, भाई हमारे पैसे दो, हमारे पैसे दो। और जो नए लोग जो अकाउंट खुलवाने वाले हैं या बैंक के साथ एसोसिएटेड होने वाले हैं या बैंक को आगे अपना यूज करने वाले हैं अपने उसके लिए, वो भी एक तरह से हिचकिचाएंगे। सब लोग मना करेंगे उस बैंक में जाके मत अकाउंट खुलवाना भाई, वो तो पैसे ही नहीं दे रहा वापस। ऐसी स्थिति या ऐसी सिचुएशन बनेगी या नहीं बनेगी, है ना? तो इस सिचुएशन को बोलेंगे बैंक पैनिक। और अगर सब लोगों ने बैंकों में पैसा जमा कराना बंद कर दिया, सपोज करके चलो अगर लोगों ने बैंकों में पैसा डिपॉजिट करना बंद कर दिया तो बैंक कोलैप्स कर जाएगा, है ना? बैंक कोलैप्स किया तो फिर वही फाइनेंशियल क्राइसिस का टर्न ले लेगा, उससे क्राइसिस फैलने क्या हो जाएंगे आगे शुरू हो जाएंगे। इज दैट ओके? ठीक है। तो अब क्योंकि ये बैंक क्राइसिस ना हो, लोगों का कॉन्फिडेंस लूज ना हो बैंकिंग सिस्टम में या बैंक में, तो इसलिए बैंक हमेशा अपने पास कुछ ना कुछ पैसा रिजर्व की फॉर्म में मेंटेन करता है। एंड दैट इज द रीजन द बैंक्स मेंटेन्स रिजर्व्स। ये कारण है कि बैंक क्या करते हैं, रिजर्व्स को मेंटेन करते हैं। इज दैट ओके? ठीक है। तो अब बैंक ये कर रहे हैं, तो अब सवाल ये आता है कि भाई बैंक जो ये रिजर्व मेंटेन कर रहे हैं और इसके अलावा क्या करते हैं, तो इसके अलावा ये होता है कि भाई जो रिजर्व मेंटेन करते हैं तो उसी रिजर्व में से विड्रॉल करने वाले लोगों को पेमेंट देते रहते हैं, और जो बाकी के और लोग हैं, यानी कि क्या कहते हैं कि बाकी के जितने भी लोग हैं जिनको जो डिपॉजिट भी कर रहे हैं उस पैसे को डिपॉजिट करते हैं, जिसके कारण बैंक का जो पूरा वर्किंग है वो सर्कुलेशन में चलती रहती है। यानी कि जो मैंने यहाँ बैंक को एक सेंट्रल पोजीशन पे रखा, और यहाँ पर जो हमने रखा पब्लिक को, और पब्लिक के साथ दो रिलेशन बनाए, एक तो डिपॉजिट का, ठीक है, दूसरा रिलेशन हमने बनाया विड्रॉल का, और एक हमने बनाया एक तरीके से लैंडिंग का, और यहाँ पर इन्वेस्टर्स थे, है ना, पब्लिक, और यहाँ पर हमने इन्वेस्टर्स लिए। लेट मी राइट द इन्वेस्टर्स। यहाँ पर हमने इन्वेस्टर्स लिए हैं, इन्वेस्टर से जो ये लैंडिंग का प्रोसेस है, और इन्वेस्टर्स इनको क्या करते हैं, रीपेमेंट ऑफ लोन्स करते हैं, लोन्स एंड इंटरेस्ट ऑन देम। और बैंक क्या करता है, इनको डिपॉजिट पे इंटरेस्ट देता है। तो ये साइकिल ढंग से चलती रहे, इस साइकिल के ढंग से चलने के लिए क्या क्या है कि बैंक के पास डिपॉजिट आते रहते हैं, ये डिपॉजिट अपने पास रखता है, उस डिपॉजिट में से ये अपने पास रिजर्व्स भी रखता है, और जो बाकी का जो एक्स्ट्रा अमाउंट होता है जिसको आप एक्सेस रिजर्व्स बोलते हो। एक तो हो गए रिजर्व्स, तो रिजर्व्स हो गए, ठीक है, रिजर्व्स मेंटेन करता है, उसमें से जो एक्स्ट्रा पैसे होते हैं उनको आगे लैंड करता है, और यहाँ से जो लोग हैं जो ये रिजर्व रखता है अपने पास, उस रिजर्व में से लोग अपना विड्रॉ करना शुरू करते हैं, कर लेते हैं, उनको पेमेंट कर देता है, क्योंकि कुछ लोगों की पेमेंट आएगी भी। और जो लैंडिंग का फंक्शन है, वैसे जो एक्स्ट्रा पैसे होते हैं उनसे वो बैंक आगे इनको लैंड करता रहता है, और ये जो इन्वेस्टर्स हैं ये अगर अपनी टाइमली पेमेंट करते रहते हैं, अगर अपनी कैसी पेमेंट करते रहते हैं, टाइमली पेमेंट करते रहते हैं,
तो इस बैंक के पास फिर से वो पैसा आता है और ये साइकिल, ये पूरी की पूरी साइकिल ऐसे चलती है। एक बैंकिंग सिस्टम में ये पूरा का पूरा मैकेनिज़्म ऐसे ही चलता है, ये पूरा मैकेनिज़्म ऐसे ही चलता है। यहाँ से ये ले, ये एक तरीके की साइकिल है जो चलती है आपस में, यानी कि बैंक के थ्रू। ये यहाँ से साइकिल, ये इस तरह से ले लीजिए कि यहाँ से साइकिल ये गई, यहाँ से ये गई, यहाँ से फिर ये इधर गई और इधर से इधर गई, और ये आपस में ऐसे साइकिल चल रही है। अब इसमें दो तरह की अड़चनें आती हैं कि जब सपोज करो बैंक ने लैंड ज़्यादा कर दिया। अब बैंक को प्रॉब्लम कहाँ पर होती है मैं वो बता रहा हूँ पहले आपको। मान लो बैंक ने लैंड ज़्यादा कर दिया, एक्सेसिवली लैंडिंग कर दी, पर जिन लोगों को लैंडिंग करी उन लोगों ने रीपेमेंट करना बंद कर दिया। तो जितने पार्ट की वो रीपेमेंट नहीं करते हैं, नॉन रीपेड पार्ट ऑफ लोन्स जो होता है उसको हम बोलते हैं NPAs। सुना है NPAs आपने? नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, ठीक है, NPAs। तो जितने ज्यादा NPAs बढ़ते हैं उतना ज़्यादा किसी भी बैंक को क्राइसिस से या बैंक पैनिक सिचुएशन होने की हो सकती है। क्योंकि सपोज़ करो इन्होंने रिजर्व रखे हुए हैं विड्रॉल देने के लिए, लोग डिपॉजिट कर रहे हैं। अब मान लो इन्होंने एक्सेसिवली लैंड कर दिया, अब ये साइकिल तो उसकी रिजर्व से चल रही है, पर मान लो इसने कहीं एक्सेसिवली लैंड कर दिया और यहाँ से ये जो पेमेंट आनी इसके पास बंद हो गई, और कहीं ज़्यादा लोगों ने विड्रॉल निकालना शुरू कर दिया या डिमांड शुरू कर दी, तो ये जो सिचुएशन होगी ये बैंक पैनिक का नाम ले लेगी, ये बैंक पैनिक की सिचुएशन हो जाएगी, ठीक है। दैट में लीड टू क्राइसिस, ठीक है, जिसको हम फाइनेंशियल क्राइसिस बोलते हैं। तो इसलिए हमेशा जो बैंक्स होते हैं वो एनपीए को कम करना चाहते हैं और अपने इस रिलेशन को मेंटेन रखना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि वो बैंक पैनिक को अवॉइड करना चाहते हैं, ताकि लोगों में ये विश्वास रहे कि बैंक कहीं जा नहीं रहा है, बैंक के पास हमारा पैसा सेफ है, हम जब जितना विड्रॉ अपने अकाउंट से करना चाहेंगे हमें मिल तो रहा है, तो ये कहीं सारे के सारे लोग आके इसके पास ना खड़े हो जाएं, इसलिए बैंक अपने पास रिजर्व मेंटेन करता है। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। हेलो, ठीक है। तो अब ये जो बैंक मेंटेन कर रहा है रिजर्व, अब ये जो प्रोसेस है, अब हमें ये समझना है जो क्रेडिट क्रिएशन का प्रोसेस है उसमें हम इसी चीज़ को समझेंगे कि यहाँ से जितना पैसा यहाँ जा रहा है बैंक के पास जा रहा है, और बैंक उसको किस प्रोसेस के थ्रू क्या कहते हैं कि आगे लैंड कर रहा है, और जब वो लैंड कर रहा है तो उस तरह की ट्रांजैक्शंस एक बैंक की बैलेंस शीट में कैसे रिफ्लेक्ट होंगी। दिस इज़ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ क्रेडिट क्रिएशन, ठीक है, दिस इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दिस इज द सब्जेक्ट मैटर कि ये क्या होगा, प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन का, कि क्रेडिट क्रिएशन का जो प्रोसेस है उसका सब्जेक्ट मैटर यही है कि यहां से पैसा जो यहां जा रहा है तो वो ट्रांजेक्शंस बैंक की या विड्रॉल हो रहा है, ठीक है, जो विड्रॉल हो रहा है और जो डिपॉजिट हो रहा है और जो लैंड कर रहा आगे, ये दोनों तीनों तरह की ट्रांजैक्शंस किस तरह से एक बैंक की बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट होती है, दिस इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ क्रेडिट क्रिएशन। इसी को क्रेडिट क्रिएशन और यू कैन से द डिपॉजिट क्रिएशन बोलते हैं, क्रेडिट क्रिएशन और डिपॉजिट क्रिएशन बोलते हैं। इज दैट ओके? हेलो, क्या आपको समझ में आया क्रेडिट क्रिएशन का मतलब क्या है, कि क्रेडिट क्रिएशन में हम क्या चीज समझेंगे? ये समझ में आ गया ना कि क्रेडिट क्रिएशन में हम समझेंगे एक्चुअल में किस चीज को, क्या हमें समझना है? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो अब बारी आती है कि क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस हम आगे कैसे बढ़ाते हैं। तो आज हम इतना ही करते हैं, ठीक है, क्योंकि जो क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस समझना है उसमें टाइम लगेगा और अभी टाइम इतना है नहीं,
तो इसलिए हम क्या करते हैं, इस टॉपिक को यहीं पर अभी विराम देते हैं, एक तरीके से एंड करते हैं, और क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस फॉर्मली कैसे होता है वो हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। इज दैट ओके? तो आज जो करा है सब समझ आया है आप लोगों को? किसी ने कोई सवाल पूछना है? हाँ, हाँ, नहीं उसमें ना एक थोड़ा सा मैं और थोड़ा सा इसको आपको और एलेबोरेट करके समझा देता हूँ कि उसमें पैसा डूबने का क्या है। सपोज करो, जैसे मैं एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल से इसको समझ लेते हैं, ठीक है भाई, एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं कि सपोज करो कि एक तरीके से ये बैंक है और बैंक के पास एक इंडिविजुअल ए आता है कि मुझे लोन चाहिए। अब इसने क्या किया, एक तरीके से जो कोलेटरल रखा वो रख दिया अपने हाउस, घर के अगेंस्ट ले लिया लोन, मकान के अगेंस्ट, ठीक है। मान लो मकान की मार्केट वैल्यू थी 20 लाख रुपए, लेट अस अज्यूम, ठीक है। तो बैंक ने क्या किया, इसको 20 लाख रुपए लोन नहीं दिया, बैंक ने इसको दे दिया सपोज करो 80% लैंड किया बैंक ने लैंड कर दिया, लेट अस अज्यूम एक तरीके से 80% कितना हो गया, 1,60,000 रुपये, सॉरी 16 लाख रुपए, है ना। हेलो, क्या हो गया, ये 16 लाख रुपए हो गए, 16 लाख बैंक ने इसे लोन दे दिया। अब जो बैंक ने ये 20% की कटौती की इस 100% वैल्यू में, इसको बोलते हैं मार्जिन रिक्वायरमेंट रेशो। ठीक है, MRR, मार्जिन रिक्वायरमेंट रेशो, जो ये 20% की कटौती की। हेलो, मैं रिपीट कर देता हूं कि मान लीजिए आपने कोई भी एसेट रखा बैंक के पास लोन लेने के लिए कोलेटरल के फॉर्म में, आपने वो एसेट रखा अपना घर, हाउसिंग हाउस, ठीक है, आपने कहा मेरा ये घर आपको गिरवी है। अब घर को फिजिकल फॉर्म में तो दे के नहीं जाओगे, घर के तो डॉक्यूमेंट ही दोगे ना बैंक को, है ना, या वो एग्रीमेंट बनेगा जिसमें आप लिखोगे कि हाँ भाई मैं ये इतनी वैल्यू का घर इस पे गिरवी रख रहा हूँ और इस तरह से मॉर्गेज कर रहा हूँ। तो अब क्या होगा कि ये बैंक ने मॉर्गेज किया तो बैंक इसकी वैल्यू एसेस करेगा, सपोज करो इसकी मार्केट वैल्यू आ जाए 20 लाख रुपए, तो बैंक 20 लाख रुपए का लोन नहीं देगा, बैंक देगा सपोज करो 16 लाख रुपए का लोन 20 लाख की जगह। तो 16 लाख रुपए का लोन दिया तो यानी कि 80% लोन दिया बैंक ने, वैल्यू का 80% लोन दिया, 20% डिडक्ट किया, तो जो ये 20% डिडक्शन किया है, ठीक है, इसको बोलते हैं मार्जिन रिक्वायरमेंट रेशो। इज दैट ओके? ठीक है, अब सपोज करो बैंक ने दे दिया, अब मान लो ये लोन लिया है, ये इसने ले लिया 15 साल के लिए या 10 साल के लिए, 10 टू 30 इयर्स तक लोन ले सकते हैं, तो 10-15 साल के बीच में या 20 साल के लिए लोन ले लिया। अब ये जो ए इंडिविजुअल है, जो इसकी जो EMIs बनेंगी, जिसको हम बोलते हैं EMIs, जो EMIs बनेंगी रीपेमेंट की लोन की, वो EMIs की फॉर्म में होगा। अब वो जो EMIs होंगी उसमें जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, तो बैंक क्या करता है कि जो ये 20 साल के पीरियड में, यानी कि 20 इयर्स का अगर लोन है, तो 20 साल के पीरियड में, इन 20 इयर्स में वो इस लोन की इंस्टॉलमेंट्स इक्वल स्प्रेड कर देगा, और इस तरह से स्प्रेड करेगा तो इनिशियली जो आपकी पेमेंट जाएंगी ना इसी इनिशियल ईयर्स में, वो इंटरेस्ट पार्ट उसमें ज़्यादा होगा, और जो क्या कहते हैं कि प्रिंसिपल अमाउंट है, प्रिंसिपल अमाउंट जो होगा वो कम होगा, ठीक है, जो इनिशियल ईयर्स की इंस्टॉलमेंट होगी। जैसे यहाँ लिख लेते हैं ना 20 साल, एक बना के दिखा देता हूँ, एक साल हो गया, ये 2 साल हो गया, ये 3 साल हो गया, ये 4 साल हो गया, ये 5 साल हो गया, ये 6 साल हो गया, ये 7 साल हो गया, ये 8 साल हो गया,
ये 9 साल हो गए, ये 10 साल हो गए, ऐसे ही आगे देख लो 20 ईयर्स तक चला जाएगा, 20 ईयर्स, ठीक है। तो अब बैंक लोन जो शुरू होगा, सपोज करो 9 साल तक 10 साल तक, वो बैंक असल में जो EMIs बनाता है वो कैलकुलेशन इस तरह से होती है कि जो इनिशियल ईयर्स होते हैं ना उनमें लोन का जो प्रिंसिपल है प्लस इंटरेस्ट, उस EMI में दोनों चीजें कंपोनेंट होते हैं, जो EMI बनती है उसमें ये दोनों कंपोनेंट होते हैं। तो उस कंपोनेंट को ऐसे रखता है कि जो इंटरेस्ट का पार्ट है वो ज्यादा होता है शुरू में और लोन का पार्ट कम होता है, इज दैट ओके। और बाद वाली जो क्या कहते हैं कि जो EMIs होती हैं उनमें क्या होता है कि जो प्रिंसिपल अमाउंट है लोन का, जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसका पार्ट ज़्यादा होता है और इंटरेस्ट का कम, ऐसे ये डिक्रीज होता जाता है इंटरेस्ट का पार्ट, ठीक है। क्यों? क्योंकि बैंक को अपनी रिटर्न्स बराबर रखनी है। अब सपोज करो किसी इंडिविजुअल में 7 साल तक 8 साल तक तो लोन पे किया, 7 साल तक लोन पे किया, उसके बाद वो डिफॉल्ट कर गया, सपोज करो यहाँ से उसने डिफॉल्ट करना शुरू कर दिया 7 साल से, और वो लगातार डिफॉल्ट करता जा रहा है, बैंक उसको रिप्लाई करेगा कि भाई अपनी पेमेंट दीजिए, मतलब इस तरह से बातचीत चलेंगी, पर ये डिफॉल्ट करके जा रहा है कि वो पे नहीं कर रहा, तो ये क्या बन जाएगा, NPA बन गया फिर, हेलो, ये NPA बन जाएगा। अब बैंक क्या कर सकता है, बैंक उसके मकान को बेच सकता है। कई बार क्या होता है, इकोनॉमिक सिचुएशन ऐसी होती है कि जो मार्केट वैल्यू जो है, जो एसेट हम रख रहे हैं उसकी खुद की मार्केट वैल्यू घट गई होती है। सपोज करो अब जैसे डीमोनेटाइजेशन के टाइम पर पॉलिसी ली गवर्नमेंट ने, या अभी हम देख रहे हैं COVID-19 देख रहे हैं, या अदरवाइज कोई ऐसी इकोनॉमिक सिचुएशन हो सकती है जिसमें जो एसेट गवर्नमेंट के पास या बैंक के पास ऐसे कोलेटरल रखा है वो एसेट की मार्केट वैल्यू कम हो जाए। मान लीजिए कम होकर ये हो गई, मान लो 17 लाख हो गई मार्केट वैल्यू कम हो गई, या 15 लाख हो गई, या 12 लाख हो गई, या 14 लाख हो गई, जो भी वैल्यू मार्केट वैल्यू से जो जिस पे लोन दिया था उससे कम हो गई, तो बैंक तो वैसे ही ठगा गया, हेलो। और इसको लिक्विफाइड करने में, इसको दोबारा से बेचने में और ट्रांसफर करने में दिक्कत है, क्योंकि ये जो मकान है उस पे ओनर तो कोई और है, कागज कोई और है, तो बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस, जो लीगल कॉम्प्लिकेशंस होती हैं वो बढ़ जाती हैं। तो जिसके कारण क्या होता है, कई बार ऐसा पॉसिबल होता है, आपकी बात बिल्कुल ठीक थी, मैं उसको डिनाई नहीं कर रहा हूँ, ऐसा पॉसिबल होता है बहुत बार कि जब लोग डिफॉल्ट करते हैं या NPAs में कन्वर्ट होते हैं, जो बैंक की जो एसेट्स होते हैं, जो भी कोलेटरल रखा होता है अगेंस्ट द लेंडिंग जो भी बैंक के पास होता है, तो वो उतनी वैल्यू मटेरियलाइज नहीं हो पाती है जितनी होनी चाहिए उससे, हेलो, ठीक है ना। तो वो फिर क्या होता है कि बैंक उतनी रिकवरी नहीं कर पाता है, जिसके कारण फिर क्या कहते हैं कि वो बैंक पैनिक या बैंक क्राइसिस या कोलैप्स वाली बात आती है, जो आप देखो सब प्राइम लैंडिंग का था 2008 में जो फाइनेंशियल क्राइसिस आया, वो मैं एक तरीके से एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ। तो ये बात आपकी ठीक है कि अगर बैंक ने ढंग से चेक नहीं किया है हर पहलू को तो NPA होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, पर उसमें पूरी तरह से चेक किया हो तो भी NPA होने के चांसेस हो सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ उसी के कारण। उसका मैं एक एग्जांपल और आपको दे देता हूँ कि सपोज करो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, ठीक है, अब ये जो अब इसके मकान की वैल्यू भी उतनी है जो ये यहाँ पर थी, ये जो हमने लिया यहाँ पर, सपोज करो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है और कोई एक तरीके की सिचुएशन, एक्सटर्नल कोई ऐसी सिचुएशन नहीं, ये जो ए कैंडिडेट है इसके मकान की वैल्यू भी उतनी और मकान भी वैसे ही है। अब ये ए इंडिविजुअल का जो बिजनेस था जहाँ से इसकी अर्निंग आ रही थी और ये जो EMIs पे कर रहा था वो बिजनेस ठप हो गया, सपोज कर लो ऐसे इकोनॉमी में ऐसा कुछ नहीं है, ये ठप हो गया, ये तो बेचारा पे कर नहीं पाएगा ना इंस्टॉलमेंट को, तो अगर ये पे नहीं कर पा रहा बैंक तो उसी को कंसीडर करेगा ना कि मेरा तो NPA, मेरा तो पैसा वापस नहीं आ रहा ना बैंक के पास, तो बैंक तो उसको NPA ही कंसीडर करेगा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, है ना, बैंक के लिए तो वो NPA बढ़ रहा है। अब उसका NPA बढ़ने का रीज़न क्या है वो एक अलग बात हो सकती है, उस पर एक अलग डिस्कशन चल सकता है कि भाई इस तरह का रीज़न हो तो क्या होगा इस तरह का, पर अल्टीमेटली डिफॉल्ट तो हो ही गया ना, जबकि सारा सब कुछ चेक किया, इसके कागज़ सारे सही थे, ये आदमी भी ठीक है, ईमानदार है, बट वो इसके पास कहीं से
पैसा आने की इसके पास कहीं से कोई वो हो ही नहीं रही है, इसके इनकम सोर्सेज प्रॉब्लम में आ गए हैं, तो इसलिए वो एनपीए कन्वर्ट हो गया। तो वो एक रीजनिंग हो गई कि बहुत सारे रीजंस होते हैं, हो सकते हैं एनपीए के क्रिएट होने के, पर अल्टीमेट जो रिजल्ट आता है वो इसी तरह का आता है जो मैंने आपको समझाया है कि अल्टीमेटली वो कंसिडर ही एनपीए ही होगा। इज दैट ओके? हाँ, वो बात आपकी ठीक है कि बैंक अगर ज्यादा ध्यान रखता है तो वो ज्यादा अच्छी तरह से उसको कर सकता है, कम चांसेस होते हैं, यानी कि चांसेस कम हो जाते हैं डिफॉल्ट के या एनपीए होने के, अगर अच्छी तरह से चेक वेक करे होते लोगों ने। इज दैट ओके? तो किसी ने कोई और सवाल पूछना है? तो ठीक है, फिर आज इतना ही करते हैं, ठीक है? और सब लोग एक बार अपनी अटेंडेंस लगा दीजिए।